आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज का विषय भी बड़ा रुचिकर है और ये ऐसा विषय है जिसके ऊपर सभी लोग हर प्रकार से अपनी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन वस्तुतः ये विषय विशेषज्ञों के लिए ज्यादा उचित है, क्योंकि जब तक आपके पास तथ्य ना हो, आंकड़े ना हो और बहुत बड़ा अगर आपके पास विजन ना हो, तो तब तक इस तरह के विषयों को हम ना तो इनके बारे में कोई तथ्यात्मक रूप से अपनी बात कह सकते हैं, ओपिनियन जरूर दे सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों से ये बात कही है, और ओपिनियन के आधार पर राजनीति करना बड़े खतरनाक होता है। ये बात हम सभी देख ही रहे हैं। आज 70 सालों के बाद भारत की संसद में जो कुछ हो रहा है और जो समाज में घटित हो रहा है राजनीति के नाम पर, वो ओपिनियन के आधार पे हो रहा है, तथ्यात्मकता उसमें बहुत कम होती है। इससे पहले कि मैं इस विषय के ऊपर दो तीन बातें आप लोगों के साथ साझा करूं, आज के इस वेबिनार में, इस चिंतन परंपरा में, आप लोगों को मैं ये सूचित करना चाहूँगा और बड़े सम्मान पूर्वक कि आज की हमने ये जो विचार चर्चा रखी है, परिचर्चा रखी है, वो माननीय डॉक्टर रमेश कुमार मदान, जो अध्यक्ष हैं पॉलिटिकल साइंस विभाग सनातन धर्म कॉलेज, एसटी कॉलेज, अम्बाला कैंट में, इस महीने उनके जो है वो सेवानिवृत्ति हो रही है 31 वर्षों की लंबी सेवा के बाद, और वो एक पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंसेस में जाने मानी हस्ती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जितने उनके संबंध हैं और जितना उन्होंने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और यूपी के एरिया में जितना उन्होंने ऑन ग्राउंड काम किया है, वो वस्तुतः है अपने आप में प्रशंसा के योग्य है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को परिचय बाद में दूंगा। संस्कृत विभाग अपनी परंपरा के अनुसार ये महसूस कर रहा था कि किसी भी विद्वान व्यक्ति की उसकी सेवानिवृत्ति होने पर किस तरह से जो है उसको एक सम्मान प्रदान किया जा सकता है, उसकी सर्विसेज को एक्नॉलेज कर सकते हैं। एक तरीका तो जो सभी सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं कि आपने पार्टीज दे ली, आपने उसके विषय में थोड़ी बहुत चर्चा कर ली, हंसी मजाक कर लिया और एक्नॉलेज कर लिया। दूसरा तरीका जो हमारी परंपरा का है वो है कि उनकी विद्वत्ता के अनुकूल और अनुरूप हम लोग कोई ऐसी परिचर्चा अवश्य करें जिससे उस व्यक्ति की सारी जीवन भर की जो मेहनत है उसको हम एक स्वीकृति प्रदान कर सकें, और अगर उसमें जो भी उनकी अंतर्दृष्टि है, जो उनके पास तथ्य उपलब्ध हैं, उसके विषय में वो अपनी बात हमारे साथ साझा करके जाएं। तो भारतीय परंपरा के अनुकूल मुझे लगता था कि हमें इस तरह से एक सम्मानित सम्मान का कार्यक्रम करना चाहिए, और विशेष रूप से स्कॉलर्स और एकेडमिशियन के सेवानिवृत्ति के संदर्भ में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये विषय चुना है, और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर रमेश कुमार मदान जो हैं वो निश्चित रूप से इन सारे राजनीति के गंभीर विषय को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि थ्योरेटिकली भी वो इस विषय को बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसके जो ऑन ग्राउंड जिस तरह से उन्होंने काम किया है, गांव गांव घूमे हैं, शायद लगभग 1400-1500 गांव उन्होंने पैदल घूमे हैं अपने समय में, तो उस तरह से उनको गली गली कूचे कूचे तक की उनकी जानकारियां उनके जहन में है। तो सीधा विषय की ओर आते हैं, और मैं, क्योंकि हमारे दोनों मुख्य वक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो विषय बड़ा स्पष्ट सा देखने में लग रहा है कि भारतीय राजनीति का परिभाषीकरण एवं उसके उभरते आख्यान। संस्कृत विभाग और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और सनातन धर्म, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने जब ये विषय चुना है, तो उसके बारे में निश्चित रूप से ये मानकर हमने ये विषय चुना है कि हमें
कुछ चीजें पता हैं और बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता हैं। तो एक कदम उस विषय में और अग्रसर होने के लिए आज का ये विषय हमने यहाँ पर आप विद्वानों के लिए चर्चा के लिए उपस्थित किया है, जिसमें हमारे दो विशेष विद्वान जो रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर जगदीप सिंह जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट कॉलेज नारायणगढ़ से हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर अभय विक्रम सिंह जो डिपार्टमेंट ऑफ गांधीयन स्टडीज महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार से हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें इस बात में सहायता करेंगे कि हम इस विषय के ऊपर बिखरे नहीं और हमारी दिशा भी सही हो और हम उसमें एक कदम दो कदम जितना भी चल सकते हैं वो अग्रसर हों। विषय को शुरू करने से पूर्व ये भी मैं बात आप लोगों के साथ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस विषय के ऊपर बातचीत करना एकेडमिक पर्पस है और उस एकेडमिक जो पैराडाइम्स हैं उनका हम ध्यान रख करके ही बात को आपस में साझा करेंगे। लगभग 1.5 घंटा चलने वाले इस वेबिनार में आप लोग अपनी अपनी राय भी दे सकते हैं, हमारे जो दोनों मुख्य वक्ता हैं लगभग 20-25 मिनट का उनका समय रहेगा अपनी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन उससे पूर्व मैं आप लोगों के साथ 2-3 चीज़ें ज़रूर साझा करना चाहूँगा कि आप लोग जैसे देख ही रहे हैं, क्योंकि मुझे तो संस्कृत की दृष्टि से सारे सोशल साइंसेस को देखना है और एक तरह से उसके जो जड़ें हैं सोशल साइंसेस की, जिस आधार पर उनको पढ़ाया जाता है, समझाया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है, उसमें कहाँ पर संस्कृत जो है वो अपना दृष्टिकोण स्थापित कर सकती है। तो और चर्चाओं में ना जाते हुए सीधे सीधे हम पहले तो राजनीति को अपनी परंपरा के अनुसार हम परिभाषित करने का प्रयास करें कि उसका स्वरूप क्या खड़ा होता है। जो लोग संस्कृत से जुड़े हुए हैं और संस्कृत से थोड़ा बहुत परिचय है उन लोगों के लिए तो मैं ये भर्तृहरि का श्लोक पढ़ देता हूँ, बाकी लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जानते हैं कि जो राजनीति का जो स्वरूप है, हालांकि पॉलिटिक्स और राजनीति दोनों शब्द मुझे लगता है नितांत अलग अलग हैं, उस विषय पे मैं बात जरूर करूंगा कि पॉलिटिक्स जो शब्द आ रहा है ग्रीक ट्रेडिशन से और हम जो राजनीति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं संस्कृत की दृष्टि से, दोनों में बहुत मूलभूत अंतर आपको दिखाई देंगे। तो पहली बात है सत्यान्विता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि चार्थ परावदान्या नित्य व्यया प्रचुत नित्य धनात्मा च वारांगनेव नृप नीति रनेक रूपा। ये इसमें से क मिसिंग हो गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है द पॉलिसी ऑफ किंग्स रिजेंबल्स ए प्रोस्टिट्यूट इन इट्स बीइंग बोथ ट्रुथ एंड अनट्रुथ क्रूअल एंड काइंड मर्सीफुल एंड अनमर्सीफुल ग्रीडी फॉर मनी एंड आल्सो वेरी चैरिटेबल एंड एक्सपेंसिव एट द सेम टाइम एंड ल्यूक्रेटिव टू। ये भारतीय परंपरा में जिसे हम नहीं पढ़ाते, जिसको कभी मनुवादी कह के ब्राह्मणवादी और इस तरह की कई शब्दावली हम प्रयोग करके छोड़ देते हैं और हमें लगता है कि आधुनिकता जो है वो केवल वेस्ट से पैदा हुई है, तो एनीवे लेकिन मेरी परंपरा में जिसके मैं फख्र भी करता हूँ, गर्व का अनुभव करता हूँ, वहां पर राजनीति जो आज की टर्म में है वो इस तरह से परिभाषित होती है, उसकी नेचर ये है। सोशल साइंटिस्ट किस तरह से करते हैं उसको हम फिर और देखेंगे, वो विद्वान वक्ता हमारे साथ साझा करेंगे। अब इस जो राजनीति है, राजनीतिज्ञों के चार प्रकार हैं, चार तरह के पॉलिटिशियन मुझे समझ में आते हैं। मैं संस्कृत में नहीं जा रहा लेकिन आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता देता हूं कि एक राजनीतिज्ञ होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं जो सत्पुरुष होते हैं, जो अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों के हित का प्रतिपादन करते हैं, वो पॉलिटिशियन फर्स्ट कैटेगरी है जिन्हें आप सत्पुरुष कह सकते हैं। सामान्य वो होते हैं जो अपने स्वार्थ का कोई विरोध ना हो लेकिन दूसरे का कार्य अगर हो जाता है तो उसको कर देने वाले वो सामान्य होते हैं कि मेरे स्वार्थ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और दूसरे का काम हो जाए, वो दूसरी तरह के पॉलिटिशियंस होते हैं। तीसरी तरह के जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो कौन से हैं, वो मानुष राक्षस मनुष्य के रूप में राक्षस होते हैं कि अपने हित के लिए, वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित का नाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ऐसे मनुष्य रूपी
राक्षस जो हैं वो तीसरी कैटेगरी है पॉलिटिशियंस की। चौथी जो कैटेगरी है जो अनडिफाइंड है, जो बिना बात के दूसरों का अहित करते हैं, नुकसान कर देते हैं, उनको क्या कहें ये तो हम लोग भी नहीं जानते। चौथी कैटेगरी को अभी तक हम खुद डिफाइन नहीं कर पाते। तो नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस की कैटेगरीज, और उसके बाद इस पॉलिटिक्स के द्वारा हम ग्रहण क्या करना चाहते हैं, अल्टीमेटली चाहते क्या हैं। ये ट्रेडिशनल आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ाते, और अगर एक आध एमए लेवल पे कोई इंडियन पॉलिटिक्स का जो पेपर लगा हुआ है उसे भी हम बंद कराने की पूरी कोशिश में हैं कि कहीं उसको पढ़ा करके कहीं हम कुछ अनुचित ना कर दें, ऐसा एक भाव अक्सर मैंने देखा है पॉलिटिकल साइंटिस्ट में। और जब कभी भी यूनिवर्सिटी के लेवल पे बातें हुई हैं इस तरह की, तो एक रिजर्वेशन अपनी ही परंपरा के प्रति देखने में आई। तो यहाँ पर आप ये देखिए, और मैं जरूर चाहूंगा कि पॉलिटिकल साइंस में अगर इस तरह का उनका कोई पैराडाइम है जिसे हम ये कहते हैं कि न मे स्टेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपह नाना हिताग्निर ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, यानी कि पॉलिटिशियन ऐसा कोई क्लेम कर सके जिसमें वो ये कहे कि मेरे राज्य में, मेरी सत्ता में न तो कोई चोर है, न कुत्सित व्यवहार करने वाला है, न मद्यपाई है, न कोई ऐसा गृहस्थी जिसके घर में अग्नि स्थापित ना हो। अग्नि का मतलब है रोटी पानी आदि आदि। मेरे राज्य में कोई अविद्वान नहीं है, न स्वेच्छाचारी पुरुष, तो स्वेच्छाचार करने वाली स्त्री कहाँ से होगी। क्या हम ऐसी कोई उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह का एक पॉलिटिकल साइंस में और पॉलिटिशियंस इस तरह के किसी एक राज्य की, स्टेट की, गवर्नमेंट की कल्पना कर सकें। बात को और थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ बढ़ाना चाहता हूँ। ये बातें मैं सिर्फ एक भूमिका के तौर पर और अपना दृष्टिकोण जो संस्कृत का दृष्टिकोण है वो आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। देखिए पॉलिटिक्स के दो रेफरेंस पॉइंट हैं संस्कृत के दृष्टि से। एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ऑब्वियसली, हालांकि पार्टी का उसमें विधान नहीं है लेकिन हम लोगों ने पार्टीज बना ली बहुत सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं कही गई हैं लेकिन पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल फील्ड में वो सारी की सारी हमने लाके खड़ी कर दी हैं। दूसरा रेफरेंस पॉइंट है इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था। तो इंडियन पॉलिटिक्स में सामान्य रूप से क्या होता है कि आप कास्ट पॉलिटिक्स से इसे डिफाइन करेंगे, लैंग्वेज पॉलिटिक्स से, रिलीजियस पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स, वुमेन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक और बिजनेस, ये सारी मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें इसमें से रह भी गई हैं, और मीडिया पॉलिटिक्स, इसको तो हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए क्योंकि अभी अभी जिस की तालिबान ने हत्या की है जिस मीडिया पर्सन की, उसका व्यवहार और जो उसने जो कुछ किया है वो हम सभी जानते हैं। एनीवे वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन इस सारे संदर्भ में जो आप ये सामने देख रहे हैं इसके ऊपर एक सवाल मैंने दिया है कि पॉलिटिक्स, राजनीति और कुटिल नीति, क्या ये तीनों के अर्थ एक ही हैं या ये अलग अलग हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स जब शब्द प्रयोग किया गया ग्रीक में तो हम सीधा रेफरेंस बड़े सुरक्षित रूप में इस अर्थ में कर देते हैं कि स्टेट अफेयर्स को जो डील करता है उसको आप पॉलिटिक्स कह देते हैं ग्रीक परंपरा में। लेकिन सोक्रेटिस और अरिस्टोटल वगैरह ने जब ये शब्द प्रयोग किया इस परिभाषित शब्द परिभाषा में, उससे पहले जो माइथोलॉजी वो प्रचलित है वहां पे, उस माइथोलॉजी में अगर आप देखें तो वहां पर गॉड्स और पीपल, उनके बीच का जो संघर्ष है वहां पर गॉड्स के पॉलिटिक्स है कि लोगों को ये चीज नहीं देनी है, तो उसमें वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वहां पर पॉलिटिक्स के अर्थ कुछ और हैं, लेकिन हमने क्योंकि वहां की माइथोलॉजी को छोड़ दिया, हमें उन संदर्भों का नहीं पता, और फिर मनुष्य जो है वो अपने वेलफेयर के लिए पॉलिटिक्स करते हैं कि किस तरह से वहां से अग्नि को देवताओं से चुरा के लाया जाए, किस तरह से उनकी अन्य देवताओं ने जो संपदाएं मनुष्यों को नहीं दी हैं उसको लेकर के आए। तो अरिस्टोटल से पहले और सोक्रेटिस से पहले जब पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग हो रहा है वो सारे का सारा क्या है, माइथोलॉजी से उठ के आ रहा है, जिसे अरिस्टोटल और सोक्रेटिस ने परिभाषित किया और उसको लेकर के हम फिर आगे चले। राजनीति शब्द बड़ा स्पष्ट है कि राजा की नीति,
राजा की नीति प्रजा के लिए क्या है वो उस अर्थ में है, लेकिन मैं कंफ्यूज इस अर्थ में हो जाता हूँ कि जो राजा नहीं बना है, यानी कि जो सत्ता में नहीं है, पॉलिटिक्स तो वो कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि किस तरह से सत्ता को हासिल करें और जो सत्ता में बैठा उसको हटाएं। तो यहां पर पॉलिसी ऑफ द किंग इज समथिंग डिफरेंट और बाकी सारी चीजें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। तो पॉलिटिक्स एक अलग शब्द, एक अलग रेफरेंस पॉइंट को बताता है और राजनीति अलग को। अब जो मैं आज चर्चा के द्वारा समझने का प्रयास करूंगा आप लोगों से, और मैं चाहता हूं कि इसको हम स्पष्ट करें कि आज जो कुछ चल रहा है जिस स्तर पे राजनीति, जिसे हम कह रहे हैं पॉलिटिक्स, वो कुटिल नीति उसके लिए उपयुक्त शब्द तो हो सकता है कि कैसे सरकार को हम निम्न नीचा दिखा दें, उसके दोष निकाल के दिखा दें और फिर हम सत्ता पे काबिज हो जाएं। यही सारे का सारा पिछले 70 सालों में चलता आ रहा है। तो वो राजनीति ना होकर कुटिल नीति तो है, जो कि पॉलिटिक्स के बहुत करीब एक अनुवाद हो सकता है। राजनीति मुझे नहीं लगता कि भी उस संदर्भ में वो उचित बैठेगा। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात है कि इंडियन पॉलिटिक्स में इंडियननेस क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स, व्हाट आर द मल्टीपल लेवल्स एंड लेयर्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स, ये चीज बहुत जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, व्हाट आर इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ इट ऑपरेट्स, व्हाट्स द नेचर ऑफ लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स, ये इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कभी कोई बात हुई होगी कि लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स, और फिर व्हाट आर इट्स टर्मिनोलॉजीज, व्हाट आर इट क्वालिफायर्स, और व्हाट इंडियन इंडिया मीन्स टू पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये कुछ एक प्रश्न हैं जो मेरे मन को काफी देर से परेशान कर रहे थे और मैं इनके उत्तर ढूंढ रहा था। आप ये देख सकते हैं कि आज हमारी पॉलिटिक्स के बारे में एक आम आदमी की, पॉलिटिकल साइंटिस्ट की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि उनका ये वो साइंस के रूप में इसको देखते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग तो एक ओपिनियन के रूप में इसको देखते हैं। वहां पर आप ये देखिए कि हमारी बात क्या है कि इंडियन पॉलिटिशियंस आर द ओनली कर्स टू इंडियन पॉलिटिक्स। नॉट एबल स्क्रीन इज नॉट विजिबल। टू सी दी स्क्रीन एंड नो द स्क्रीनशॉट्स आर नॉट सीन। ओके, आई विल रिवाइज इट अदरवाइज। ओके, देयर इज सम We are able to see in a short, in a very small alphabets, not able to read. ओके, जस्ट देन ओके, वेट वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी Sorry for interruption. नेवर माइंड। ओके, It cannot be extracted. Is it now? Is it visible? Can you pin it? Pin it Small on. alphabets only. It is not visible. Chalo, Not visible. I will reshare again, but let me complete and let's begin with the speaker Oh, also. okay, sir. Okay. Otherwise, the thought process will not work. These laptops, they are quite old, not compatible with this. They are not updated, so it creates sometimes it creates a lot of problems, different problems. Anyway, so मैंने आपको बताए, हालांकि बहुत बेहतरीन हमने पॉलिटिशियंस भारत में आए हैं जिन्होंने समाज के, देश के हित की बातें सोची हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि हमारी अपनी ओपिनियंस क्या हैं इस विषय में। तो इन सारे विषयों के ऊपर मैं जो चर्चा करने के लिए जिन विद्वानों को आमंत्रित किया है और आप सब लोगों को आमंत्रित किया है, उसमें जो आज हमारे प्रथम मुख्य वक्ता रहेंगे डॉक्टर जगदीप सिंह जी, जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट कॉलेज नारायणगढ़ अम्बाला से हैं। डॉक्टर साहब ने लगभग 4 पुस्तकें इनकी आ चुकी हुई हैं और पॉलिटिकल साइंस पे, और विशेष रूप से इनका जो काम है वो वृंदावन में जो विडोज हैं,
मेरा इनसे जो परिचय विशेष रूप से हुआ था वो इस संदर्भ में हुआ था, जब ये काम कर रहे थे कि जो विडोज हैं उनके ऊपर ये अपना तब रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे थे, और उसके अतिरिक्त इनके कई आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं, एक लंबा इनके पास अनुभव है, और विश्लेषण करने की जो पद्धति इनकी अपनी है पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से चीज़ों को देखने जानने समझने की, वो निश्चित रूप से हमारे लिए एक प्रशंसा के योग्य है। ऐसे जो उभरते हुए पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं निश्चित रूप से हम उनका स्वागत करते हैं। और वो हर्ष जी प्लीज आप अपना शेयर मत कीजिए, स्क्रीन मत शेयर कीजिए प्लीज, प्लीज डोंट डू दैट, अपने स्क्रीन मत शेयर कीजिए। तो डॉक्टर जगदीप सिंह जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, और निश्चित रूप से वो पॉलिटिकल साइंस के एंगल से इस भारतीय पॉलिटिक्स को कैसे परिभाषित करते हैं और उसका नरेटिव जो डिजाइन किया गया प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके ऊपर जरूर वो अपनी बात हमारे साथ आज शेयर करेंगे। दूसरे हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, हमारे रिसोर्स पर्सन हैं डॉक्टर अभय विक्रम सिंह जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गांधीयन एंड पीस स्टडीज महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार से हैं। जब मैं उनका बायोडाटा देख रहा था तो वाकई बहुत सारी उपलब्धियां उनकी हैं, मैं उसमें अभी नहीं जा रहा, लेकिन उनकी 6 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, कई रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं, कई जगह वो रिसोर्स पर्सन, और उन्होंने कई सेमिनार्स जो हैं उसको प्रिजाइड ओवर किया है, उसमें कई सेशंस, और उसके अतिरिक्त उनको सम्मानित भी किया गया है, कई सम्मान उपलब्ध हुए हैं। तो उनका भी हम डॉक्टर अभय विक्रम सिंह जी का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और उनसे एक अलग दिशा जो पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से है इस इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, वो हमें देखने और सुनने को मिलेगी। और आज के जो प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स जो सबसे आखिर में हम रखेंगे वो डॉक्टर रमेश कुमार मदान जी के, जो कि हेड हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस सनातन धर्म कॉलेज अम्बाला कैंट में, उनके ही सम्मान में आज ये हम आयोजन कर रहे हैं, और मैं उनका परिचय आप लोगों से विशेष रूप से करवाना चाहूँगा, और उसके बाद आज के मैं प्रथम मुख्य वक्ता को आमंत्रित करूंगा। लेकिन उससे पूर्व आगे का कार्यक्रम यह है कि 2 मुख्य वक्ताओं के बाद हम ओपन हाउस डिस्कशन लेंगे, उसके बाद हम जो प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स और फिर वोट ऑफ थैंक्स डॉक्टर चिमनलाल जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एसटी कॉलेज से हैं हमारे साथ, वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। तो मैं, क्योंकि ये डॉक्टर रमेश कुमार मदान जी के संदर्भ में ही हम सारी इसका आयोजन किया है, तो उनके विषय में थोड़ा सा विशेष परिचय आप लोगों को देना चाहूँगा, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो उपलब्धियों से भरपूर हैं। एक तरफ उनकी ऑफिशियल अचीवमेंट्स हैं, एकेडमिक अचीवमेंट्स जिनको आप कह सकते हैं, और दूसरी तरफ उनकी सोशल अचीवमेंट्स ही हैं। 31 वर्ष का लंबा एक सफ़र उन्होंने पूरा किया है अपने टीचिंग का, रिसर्च का, और अगर आप देखें स्लाइड अगर क्लियर हो, और ना भी हो तो फिलहाल मैं आप लोगों के लिए बहुत संक्षेप में उनकी प्रस्तुति देना चाहूँगा कि लगभग 85 प्लेनेटरी लेक्चर्स और इनवाइटेड टॉक्स उनकी रही हैं, उन्होंने कई सेशंस चेयर किए हैं सेमिनार्स के, और 244 कांग्रेसेस अटेंडेड जिनमें कॉन्फ्रेंस सेमिनार वर्कशॉप्स वेबिनार्स ETC वो सारे हैं। 2 बुक्स पब्लिश्ड हैं, 17 बुक रिव्यूज पब्लिश्ड हैं, 21 रिसर्च आर्टिकल्स, और PhD 2 स्कॉलर्स उन्होंने PhD प्रोड्यूस किए हैं, 7 MPhil स्कॉलर्स उन्होंने गाइड किए हैं, और 50 उन्होंने जो हैं वो थीसिस इवेल्युएट कर रहे हैं, एग्जामिनर रहे हैं, जिसमें PhD MPhil के थीसिस डिसर्टेशंस रहे हैं, और वाइवा वॉइस भी कंडक्ट किया है, और बड़े गर्व की बात है कि उनको 12 ऑनर्स स्टेट लेवल पर और बाकी सब स्तरों पर उपलब्ध हुए हैं। अलग अलग जो संस्थाएं हैं उन्होंने उनके एकेडमिक्स के लिए उनको सम्मानित किया है। इसके अलावा वो 30 से अधिक जो एपेक्स बॉडीज हैं उनके लाइफ मेंबर हैं, उसमें कई आधिकारिक उनके पास पोजीशंस
उपलब्ध हैं, और उसके अलावा 10 से अधिक सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के वो एडवाइजर हैं। और इसमें जो ये तो चलिए ऑफिशियल अचीवमेंट्स हैं, लेकिन अनऑफिशियल अचीवमेंट्स में मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज निरंतर उनके संपर्क में हैं, उनसे सलाह मशवरा भी करती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी उनके कई सारे संपर्क हैं, और जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनके साथ भी वो निरंतर जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि एक भरा पूरा व्यक्तित्व है डॉक्टर रमेश कुमार मदान जी का, और उन्होंने अपनी तरफ से समाज को जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो किया है, और निरंतर ही, और ऐसी ये आशा भी है कि वो निरंतर इस कार्य को अग्रसर करते रहेंगे। ये एक नौकरी करना एक औपचारिकता होती है, क्योंकि आपने अपना घर परिवार चलाना है, क्योंकि समाज का व्यवहार ऐसा है, लेकिन लोग उतने नहीं होते नौकरी जितने, वो उससे बहुत आगे अधिक होते हैं। तो निश्चित रूप से हम उनको सेवानिवृत्ति की शुभकामनाएं देते हैं, आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और अब मैं और समय ना लेता हुआ, मैंने अपनी जो कुछ एक भूमिका के रूप में बातें रखनी थी, आप लोगों के साथ साझी करनी थी, वो मैंने साझी की हैं। और निश्चित रूप से दो वक्तव्यों के बाद आप सभी लोग अपनी अपनी बात हमारे साथ साझी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ओपिनियंस दे सकते हैं, अपने प्रेजुडिसेस शेयर कर सकते हैं, अपने फैक्ट्स शेयर कर सकते हैं, जैसे जो भी चाहें। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर जगदीप सिंह जी को कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ साझा करें आज के इस विषय पे, डिफाइनिंग इंडियन पॉलिटिक्स एंड इट्स इमर्जिंग नैरेटिव्स। सर थैंक यू सर, आई एम ऑडिबल सर? यस यस यू आर ऑडिबल। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एसडी कॉलेज, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज नारायणगढ़, प्रोफेसर हेड ऑफ संस्कृत डिपार्टमेंट आशुतोष सर, और डॉक्टर रमेश मदान हेड ऑफ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, डॉक्टर चमन लाल और अदर्स कुलीग गवर्नमेंट कॉलेज नारायणगढ़ और एसडी कॉलेज। और मुझे बड़ा हर्ष है ये कहते हुए कि जिन व्यक्ति के सम्मान में मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ। एसडी कॉलेज में मैंने बीए किया है, मैं सर का स्टूडेंट रहा हूँ, और मुझे सर के लेक्चर आज भी याद हैं, जब वो अपने लेक्चर में एक एक गांव का जिक्र करते थे, राजनीति की बात करते थे। तो मेरा ये सौभाग्य है कि उनके सम्मान में आज मुझे बोलने का मौका प्राप्त हुआ है। आज जो विषय है हमारा, जो भारतीय राजनीति और इसके आयाम, बदलते आयाम, उस विषय पर मैं बात करूंगा। देखिए, जब हम भारतीय राजनीति की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें राजनीति शब्द है क्या, राजनीति है क्या, उसको समझना आवश्यक है। वैसे आशुतोष सर ने पहले अपनी भूमिका में कुछ राजनीति के विषय में बात की है, लेकिन थोड़ा सा और मैं उसको डिटेल में लेकर जाऊंगा कि राजनीति है क्या। सबसे पहले हम समझें, राजनीति जब शब्द हमारे सामने आता है तो हमारे सामने उठा पटक, हमारे सामने करप्शन, भ्रष्टाचार, गंदी राजनीति, कई सारे शब्द हमारे सामने आते हैं। राजनीति शब्द का अर्थ आज के इस समय में व्यापक संदर्भ में नहीं लिया जा रहा। राजनीति शब्द बहुत प्राचीन है, आज ही नहीं आया। प्राचीन जो सनातन धर्म ग्रंथ हैं, उनमें राजनीति का जिक्र मिलता है। उसके बाद भारत में रामायण में राजनीति का जिक्र मिलता है, महाभारत में राजनीति का जिक्र हुआ, और महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह रचना और चौसर में पांडवों को हराने के लिए की गई राजनीति, तो यहां से हमें राजनीति का जिक्र मिलता है। तो धीरे धीरे जैसे हम राजनीति को आगे की तरफ आते हैं, तो हम सीधा ग्रीक या यूनान की तरफ चलते हैं। तो यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इनके द्वारा जो व्यवहारिक राजनीतिक शब्द है, उसकी सबसे पहले शुरुआत की गई थी। अब राजनीति के जो फादर हैं, पॉलिटिकल साइंस या राजनीति के जो फादर हैं, अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु ने सबसे पहले राजनीति को मास्टर साइंस कहा। अरस्तु ने मास्टर साइंस के कहने के पीछे उसके बहुत सारे उद्देश्य थे।
उनका मानना था कि जो राजनीति है, राजनीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो समस्याओं का समाधान करना है। बल्कि कहा भी गया है, अरस्तु ने अपनी एक लाइन कोट की है कि राजनीति समस्याओं के समाधान की कुंजी है। जो समस्याएं राज्य में और जो समस्याएं व्यवस्था में होती हैं उनका समाधान करने की कुंजी माना जाता है राजनीति को। परंतु राजनीति का स्तर अरस्तु के बाद से लेकर जब तक ये आगे बढ़ा, धीरे धीरे आगे बढ़ा तो बदलता गया। राजनीति सेकंड वर्ल्ड वार से पहले राजनीति शब्द में दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, अनेक सारे शब्दों का प्रयोग होता था। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार के बाद राजनीति और राजनीति विज्ञान भी अलग हुए और राजनीति के बारे में अरस्तु के अलावा बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपनी बात कही कि राजनीति है क्या। वैसे अक्सर ये माना जाता है कि राज्य और उसके कार्यों का अध्ययन या राज्य के लिए नीतियां बनाना, इसको राजनीति माना जाता है साधारण शब्दों में। लेकिन बहुत सारे हमारे विद्वान हैं जिन्होंने राजनीति को अलग अलग से परिभाषित किया। मैं सिर्फ चार विद्वानों के बारे में बात करूंगा जिन्होंने राजनीति को अलग से परिभाषित किया। सबसे पहले बात करूंगा डेविड ईस्टन की। डेविड ईस्टन ने कहा है कि राजनीति शासन की कला है। शासन की कला मीन्स शासन में एक व्यवस्था में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल करना, उसको राजनीति कहा गया है। ये राजनीति का पॉजिटिव व्यू है। आज के समय में राजनीति को नेगेटिव व्यू में लिखा गया, मैं इसकी पॉजिटिव व्यू की बात कर रहा हूं। ये सबसे पहले डेविड ईस्टन ने कहा। उसके बाद डेविड ईस्टन के बाद हमारे अरस्तु ने राजनीति को अलग से परिभाषित किया। राजनीति के बारे में अरस्तु ने कहा कि राजनीति दो प्रकार से है, राज्य की राजनीति अलग है और व्यक्तिगत राजनीति अलग है। व्यक्तिगत राजनीति को अरस्तु ने बिल्कुल भी टच नहीं किया है। उन्होंने राज्य की राजनीति के बारे में कहा है कि राज्य की राजनीति का अभिप्राय समाज की समस्याओं का या राज्य की समस्याओं का हल करना है। तीसरी बात मैं करूंगा बर्नार्ड की। बर्नार्ड ने कहा है कि सहयोग व संघर्ष को नियंत्रित करना ही राजनीति है। सहयोग व संघर्ष को नियंत्रित करना ही राजनीति है, यानी कि राजनीति का अभिप्राय समाज में समझौते के द्वारा व्यवस्था को चलाना है। ये बात बर्नार्ड ने कही। और अंतिम हमारे जो विद्वान है लास्वेल ने कहा है कि शक्ति ही राजनीति है। शक्ति शक्ति केवल राज्य में नहीं परिवारों में भी है। लास्वेल ने ये बात कही है कि शक्ति का प्रयोग केवल राज्य में नहीं होता, परिवारों में भी होता है। परिवारों में अपनी बात मनवाने के लिए भी शक्ति का प्रयोग होता है। और लास्वेल के बाद मार्क्स जैसे विद्वान ने भी शक्ति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। उन्होंने अपने इस वक्तव्य में कि पूंजीवादी हमेशा श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग का शोषण करते हैं, तो यहाँ भी राजनीति शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। और लास्ट में मैं एक बात करूंगा कि नारीवादी जो विद्वान है उन्होंने भी राजनीति शब्द को अलग से परिभाषित किया। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि पुरुष समाज, पुरुष पितृ प्रधान समाज उन महिलाओं को या मातृ प्रधान समाज पर अपना दबाव बनाने का प्रयास करता है, अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है। तो यहाँ भी उन्होंने राजनीति की बात की है। तो ये है सिंपल राजनीति का अर्थ जो हमारे प्राचीन समय से लेकर ग्रीक तक ये आरंभ हुआ है, ग्रीक से लेकर आज तक जारी है। अब मैं आता हूँ भारतीय राजनीति पर। भारतीय राजनीति आजादी से पहले और आजादी के बाद कई आयामों से होकर गुजरी है, कई आयाम कई पड़ाव उसमें शामिल हैं। तो भारतीय राजनीति के मैं उन आयामों और पड़ावों को वन बाय वन बात करूंगा। सबसे पहले मैं आजादी के बाद 1950 से स्टार्ट करूंगा अपने वक्तव्य को। 1950 से लेकर 1967 तक भारतीय राजनीति का जो स्वरूप था वो बिल्कुल साधारण था। एक ऐसी पार्टी, एक ही पार्टी का डोमिनेट था, कोई विरोध नहीं था, कोई व्यवस्था उसी के अनुसार पूरी व्यवस्था राज्य चलाया जाता था। ये हमारा था 67 के बाद 77 तक एक नया राजनीति में दौर आया। पूरे भारत, कई सारे स्टेट्स में भारत के गैर कांग्रेसी सरकारों का निर्माण हुआ और गैर कांग्रेसी सरकार, जैसे जैसे गैर कांग्रेसी सरकार का निर्माण हुआ तो एक पार्टी के अस्तित्व का अंत होना आरंभ हुआ। ये हमारा दूसरा दौर था। जो तीसरा दौर था हमारा 1977 के बाद, तो 1977 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी ने भारत, इस सरकार के बाद भारत में गठबंधन राजनीति का उदय हुआ, गठबंधन स्टार्ट हुए और इस गठबंधन में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ता गया भारतीय राजनीति में। और उसके बाद 90 में
जब 90 का दौर आया तो 90 के दौर में भारतीय राजनीति के आयाम फिर बदले। इस समय भारतीय राजनीति में तीन नए शब्द आए, निजीकरण, भूमंडलीयकरण, वैश्वीकरण, और गठबंधन भी स्टार्ट हुए, यूपीए और एनडीए वगैरह। तो ये सारे, ये भी भारतीय इस दौर में राजनीति का आयाम बदला। उसके बाद 2014 तक यही सिलसिला जारी रहा। 2014 से लेकर आज तक मेरा मुख्य जो वक्तव्य रहेगा, 2014 से लेकर आज तक राजनीति, भारतीय राजनीति के आयामों में क्या क्या बदलाव आया है, तो उस पर मैं अधिक अपना फोकस करूंगा, उसके बारे में अपनी बात करूंगा वन बाय वन में। भारतीय राजनीति 2014 से पहले गठबंधन की राजनीति समझी जाती थी, अब 2014 के बाद राजनीति में कई सारे बदलाव आए हैं। जो मुख्य बदलाव हैं उनके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो भारतीय राजनीति में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार, आज भारतीय राजनीति का सबसे जो बदला हुआ स्वरूप है उसमें अपराधीकरण और भ्रष्टाचार दो मुख्य बिंदु माने जाते हैं। एडीआर की रिपोर्ट, एडीआर की रिपोर्ट अभी भी कहती है, अभी लेटेस्ट एडीआर की रिपोर्ट आई है कि 44% हमारे जो पॉलिटिशियन है, जो उन पर क्रिमिनल केसेस हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, और इसके अलावा भी हम बहुत सारे क्षेत्रीय दलों को भी देखते हैं जिनमें, जिनके द्वारा लगातार भ्रष्टाचार फैलाया जाता है। तो भारतीय राजनीति का एक नया आयाम है कि पिछले काफी सालों से ये कंटिन्यू है, लेकिन अब जब ये रिपोर्ट्स, चाहे फोर्ब्स की रिपोर्ट आती है या कोई और इंडियन टुडे की रिपोर्ट्स आती है या हमारे टीवी चैनल्स के द्वारा कोई व्यू दिया जाता है, तो उस रिपोर्ट में ये डाटा पेश किए जाते हैं कि आज इसकी स्थिति क्या है। ये हमारी राजनीति का एक महत्वपूर्ण बदलता हुआ आयाम है। दूसरी बात मैं करूंगा, सिद्धांतहीन। आज हमारी जो राजनीति है उसमें कोई सिद्धांत नहीं है। अभी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन हुए हैं और यूपी के इलेक्शन आने वाले हैं, तो चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बिना सिद्धांतों के आधार पर जो हमारे यहाँ पे दल बदल है उसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ ठीक है, हमारे यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ है 2003 एंड 1985, लेकिन चुनाव से पहले चुनाव के बाद जो हमारे दल बदल है, कोई सिद्धांतिक आधार नहीं है हमारे भारत की राजनीति का, यानी कि सिद्धांतहीन राजनीति का उदय भारत में हो चुका है। और तीसरी बात मैं कहूंगा, कमाई का साधन। राजनीति आज एक ऐसे रूप में आ चुकी है जो एक कमाई के साधन के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि उस व्यक्ति या उस मंत्री की संपत्ति पिछले 5 साल में 200 गुना बढ़ी, 1-2 गुना नहीं, 200 गुना बढ़ी। ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। आज राजनीति, जिस अरस्तु ने जिस राजनीति की बात की थी कि राज्य और समाज की समस्याओं का समाधान करना, आज राजनीति का जो स्वरूप है बदल चुका है। 5 साल में एक मंत्री एमएलए की जो संपत्ति है वो 200 गुना बढ़ जाती है। तो भारतीय राजनीति का एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। और तीसरा जो नया ट्रेंड अभी लेटेस्ट ही आया है कि विशेषज्ञों का राजनीति में प्रवेश। पहले क्या होता था कि अधिकतर लोग, मंत्री का बेटा बेटी ही राजनीति में आते थे या उससे भाई भतीजावाद इसमें था। अब कुछ विशेषज्ञ भी हमारी राजनीति में प्रवेश करने आरंभ हुए हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद, और ये एक विशेषज्ञ हैं। तो इस प्रकार कुछ परसेंट लोग हैं जो इस प्रकार से भारतीय राजनीति में आए हैं। तो विशेषज्ञों का आगमन भी भारतीय राजनीति में हुआ है, ये भी एक दौर हमारा बदला है। एक और मैं इसके साथ ही बात शेयर करना चाहूंगा कि गैर जो राजनीतिक लोग हैं वो भी भारतीय राजनीति में लगातार उनका प्रवेश हो रहा है। अभी हमारे स्पोर्ट्स से नवजोत सिंह सिद्धू जी, गंभीर, गौतम गंभीर, और उसके साथ साथ हमारी फिल्मी दुनिया के लोग, टीएमसी में जो सांसद हैं हमारे, अभी टीएमसी पार्टी से सांसद हैं और उनके ऊपर, शादी के ऊपर बड़ा डिस्प्यूट भी रहा है कुछ दिन पहले, और फिल्मी दुनिया के लोग और स्पोर्ट्स से संबंधित लोग भारतीय राजनीति में बिल्कुल प्रवेश कर रहे हैं। ये भारतीय राजनीति का बदलता हुआ लेटेस्ट ट्रेंड है, आयाम है, जिसमें बदल रहा है स्वरूप। और फ्यूचर में इस प्रकार के लोगों की संख्या और बढ़ने वाली है, बढ़ेगी ये संख्या, क्योंकि अधिकतर पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे चेहरों को तलाश रही हैं
जिनकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू के कारण ही राजनीति में उनको लेके आया जा रहा है। तो ये भी एक नया ट्रेंड है। और ये एक और इसके बाद मैं बात करूंगा नैतिकता की कमी। बिल्कुल नैतिकता जीरो है। सम्मान, सिद्धांत, जनता की परवाह, राज्य के कार्य, बिल्कुल भी किसी भी पार्टी का विकास, कोरोना जैसी महामारी के प्रति जिम्मेवारी लेना, 3 लाख लोगों का आंकड़ा दिया गया, 3 लाख लोग भारत में कोरोना से मारे गए, जबकि वाशिंगटन पोस्ट में जो आर्टिकल था उसमें 42 लाख संख्या बताई गई। हालांकि मेरे पास उसके आंकड़े नहीं हैं, वाशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल मैंने देखा था, उसमें 42 लाख संख्या बताई गई कि भारत में कोरोना महामारी से लोग मरे हैं। सरकार ने बिल्कुल इसका खंडन कर दिया, कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं ली सरकार ने। तो भारतीय राजनीति का ये भी एक ट्रेंड है जो नया ट्रेंड आ रहा है। और व्यावसायिक राजनीति, नेक्स्ट ट्रेंड जो है हम बात करेंगे व्यावसायिक राजनीति। आज भारत की राजनीति में व्यवसायी राजनीति का प्रयोग हो चुका है। व्यवसायी राजनीति जैसे मूर्तियां बनाई, मूर्तियां बनाना, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, या कोई और ऐसा कोई स्मारक बनाना, ताकि उसके आधार पर भारत में राजनीति की जा सके। तो इस प्रकार भी राजनीति को इस प्रकार से कैश करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो ये भी भारतीय राजनीति का एक ट्रेंड है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूंगा चेहरे पर आधारित राजनीति भारत में। आज 2014 के बाद भारत में चेहरे पर आधारित राजनीति है। और कोई भी वोट भारत में अब दिया जाता है, व्यक्ति को जो व्यक्ति वोट देने जाता है उसको MLA का नाम नहीं पता, मुख्यमंत्री राज्य का कौन बनेगा उसके बारे में जानकारी नहीं है, एक ही वर्ड आता है कि मोदी को वोट देने जा रहा हूं। ये पिछले कुछ सालों से है, हालांकि ये रुझान थोड़ा कम है अब, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये रुझान था हमारी राजनीति में, चेहरे को देखकर राजनीति दी जाती है, वोट दी जा रही है भारत में। तो ये भी भारतीय राजनीति का एक नया आयाम है जिससे राजनीति बदल रही है। राजनीति में नेक्स्ट जो मैं आयाम की बात करूंगा, राजनीति में अनुचित भाषा का प्रयोग। भाषा हमारे राजनीतिक दलों के द्वारा, हमारे राजनेताओं के द्वारा किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चाहे TMC का एग्जाम्पल मैं दूं, प्रधानमंत्री के प्रति किस प्रकार का वक्तव्य दिया जा रहा है, महिलाओं के प्रति किस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही हैं, सरकारों के प्रति, व्यक्ति विशेष के प्रति किस प्रकार की टिप्पणियां, हमारे जो माध्यम है ट्विटर, सोशल मीडिया के जो हमारे माध्यम है किस प्रकार की टिप्पणियां, रैलियों में भी किस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही हैं, आप इसको कह सकते हो डर्टी पॉलिटिक्स, किस प्रकार की गंदी परिभाषिक या शाब्दिक राजनीति का प्रयोग भारत में किया जा रहा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है भारतीय राजनीति में जिसकी कल्पना अरस्तु ने भी कभी नहीं की थी। तो भारतीय राजनीति का ये भी एक नया आयाम है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता, धर्म। धर्म भी पिछले काफी दशकों से राजनीति पर हावी है। राम मंदिर, मस्जिद, और अंग्रेजों ने जिस सांप्रदायिकता की शुरुआत 20वीं शताब्दी में की थी, वो सांप्रदायिकता आज व्यापक रूप से हमारे समाज में पहुंच चुकी है। और उस सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन किया जा रहा है, भारत के धर्मों का, भारत में जातियों का विभाजन किया जा रहा है, ताकि उस जाति के वोट प्रॉपर प्राप्त किए जा सके। जाति और धर्मों का व्यापक रूप से विभाजन किया जा रहा है, कभी मंदिर के आधार पर, कभी मस्जिद के आधार पर, कभी आरक्षण के आधार पर, जातिवाद आरक्षण के आधार पर, सुविधाएं देने के आधार पर, इन आधारों पर राजनीति एक नया आयाम, नए आयाम की तरफ बढ़ रही है। ये भी भारतीय राजनीति का एक नया आयाम है। और एक और मैं बात करूंगा इसके साथ ही कि भारतीय राजनीति का जो महत्वपूर्ण आयाम है, घटनाओं पर आधारित राजनीति हो चुकी है भारत में। आज पुलवामा अटैक, बारामूला अटैक, चाहे कोई पार्लियामेंट अटैक हो, या हमारे शहीद सैनिकों पर किया गया कोई अटैक हो, अधिकतर राजनीति अटैक्स यानी कि जो इंस्टेंट घटनाएं हैं, उन घटनाओं के आधार पर भारत में राजनीति की जा रही है। तो राजनीति का स्वरूप इतने व्यापक रूप से बदल रहा है कि आज घटनाओं के आधार पर राजनीति की जा रही है। और एक और बात मैं इसके साथ साथ कहूंगा, आज भारतीय राजनीति को जो सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप बदलता जा रहा है, और भविष्य में ये स्वरूप सबसे महत्वपूर्ण होगा,
भारतीय राजनीति का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। भारतीय राजनीति का राष्ट्रीयकरण, आज राजनीतिक दल वोट प्राप्त करने के लिए ऐसे विषयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ऐसे इंस्टेंट विषयों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हम कह सकते हैं, मुस्लिम्स के प्रति कोई इशू ले सकते हैं, धारा 370 की बात हम कर सकते हैं, यानी कि ऐसे इश्यूज को राइज किया जाता है जिससे लोगों में राष्ट्रवादी भावना पनपे और लोग उस पार्टी के प्रति उस व्यक्ति को प्रॉपर वोट दें। तो ये भारतीय राजनीति का एक बिल्कुल नया ट्रेंड है कि भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना, राजनीति की राष्ट्रवादी भावना, वैसे राष्ट्रवादी भावना नहीं, राजनीति की प्रॉपर राष्ट्रवादी भावना का विकास किया जा रहा है और इस राष्ट्रवादी भावना के आधार पर भारत में वोट प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। तो भारतीय राजनीति की ये जो महत्वपूर्ण आयाम है, जिनके सभी आयामों के मैंने बारे में बात की है, ये भारतीय राजनीति के ऐसे आयाम हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति का स्वरूप बदला है। भारतीय राजनीति जिसका आरंभ लगभग व्यवहारिक रूप से 20वीं शताब्दी से माना जाता है, उससे पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उससे पहले मुस्लिम शासकों के हम गुलाम थे, लेकिन इस 20वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर आज तक, आजादी से पहले और आजादी के बाद, जो भारतीय राजनीति के बदलते हुए आयाम है, अरस्तु ने जिस आयामों की बात की थी, लासवेल ने, डेविड ईस्टन ने और पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने जिन राजनीतिक आयामों की, जिस राजनीति की बात की थी, उसका स्वरूप और चेहरा आज बदल चुका है। आप ये भी कह सकते हैं कि परिस्थितियां बदली हैं, समाज बदले हैं, हम विकासशील से विकसित समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे विकसित समाज की कल्पना में जो राजनीति के विषय में अरस्तु ने की थी, आज हम उस विषय पर नहीं पहुंचे हैं, उसके हम विकृत दिशा में हम बिल्कुल भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल राजनीति आज 100% डर्टी है, गंदी, कुछ परसेंट लोग हैं जो राजनीति की इस नाव को पार कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, परंतु राजनीति अरस्तु ने जिस बारे में, जिस राजनीति के बारे में आरंभ किया था, उस राजनीति की आज व्यापक दिशा बदल चुकी है। तो अंत में मैं अपना वक्तव्य इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद अंत में खत्म करता हूं। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत खूब डॉक्टर जगदीप सिंह जी, बहुत सटीक और बहुत क्या कहूँगा कि बिल्कुल टेलर मेड आपने जो स्पीच दी है, वाकई प्रशंसा के योग्य है। और निश्चित रूप से मैं भी इस तरह से पूरा व्यवस्थित और पूरा इस तरह से नहीं सोच सकता था, और आपने कई नई सूचनाएं हमारे साथ साझी की हैं और उससे मेरा ज्ञान बढ़ा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई बातें आपने जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की और इंडियन पॉलिटिक्स की सामने लेकर के आए हैं कि करप्शन का लेवल और उसमें मनी पावर, मसल पावर और सिद्धांतहीनता और फेस वैल्यू, ये शब्द मुझे ज़्यादा सुंदर लगा। वाकई ये बात बिल्कुल तथ्यात्मक है कि फेस वैल्यू के ऊपर जो है वो वोटिंग हो रही है, और मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ फेस वैल्यू के आधार पर वोट लेने की कोशिश करना, ये बड़ी ही शर्मनाक सी बात है। लेकिन वही है कि हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हो रही हैं, और शायद हो सकता है कि ये जो छोटे छोटे प्रयास हैं, आपका ये जो वक्तव्य है, ये कहीं पर किसी को प्रभावित करे, और कम से कम 135 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति तो शायद आपकी बात से जागरूक हो कि भाई फेस वैल्यू पे नहीं वोट करना है उसके सिद्धांतों पे वोट करें। तो ये बड़ा अच्छा आपका वक्तव्य था और बहुत सटीक था। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि समय को ध्यान रखते हुए आपने जिस तरह से ये सारी बात सांझी की है वो निश्चित रूप से प्रभावी है। मैं प्रभावित हूँ आपकी बात से। और अब मैं धन्यवाद सर अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के दूसरे मुख्य वक्ता डॉक्टर अभय विक्रम सिंह जी, जो डिपार्टमेंट ऑफ गांधीयन स्टडीज, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी और बिहार, वहां से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका स्वागत है, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना वक्तव्य इस विषय पर, डिफाइनिंग इंडियन पॉलिटिक्स एंड इमर्जिंग नरेटिव्स, इस पे आप अपना वक्तव्य हमारे साथ साझा करें, और उसके बाद फिर हम लोगों के प्रश्नोत्तर लेंगे। धन्यवाद सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी सर, बिल्कुल, आवाज और विचार दोनों पहुंच रहे हैं।
धन्यवाद सर, धन्यवाद। भारतीय राजनीति का परिभाषिकीकरण एवं उसके उभरते आख्यान विषय पर आयोजित इस वेबिनार के मुख्य अतिथि, जिनके सम्मान में आज का ये व्याख्यान आयोजित किया जा रहा है, डॉक्टर रमेश के मदान साहब को प्रणाम करता हूँ। सर ने, जगदीप सिंह सर ने जिस तरीके से बताया, और जो आज के कन्वीनर हैं डॉक्टर आशुतोष सर ने, सर की उपलब्धियों को बहुत विस्तार से हमारे सामने रखा है। मेरी सर से भेंट एक बार हुई है, सर के तो नहीं याद होगा, पर मैं सर से मिला हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। कॉलेज के प्रिंसिपल, SD कॉलेज अम्बाला के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, और इस आयोजन के कन्वीनर डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी, डॉक्टर चिमनलाल सर, आप सभी को अभिवादन करता हूं, और विभिन्न विद्वान जो देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े हुए हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मुझे लगता है कि जब दूसरा कोई जब विचार प्रस्तुत करता है और आपसे पहले कोई एक भूल चुका होता है, तो आपके सामने बहुत सारी स्थितियां क्लियर भी हो जाती हैं और एक दिशा भी मिल जाती है, और बहुत सारी चीजें आपके लिए क्लिष्ट भी हो जाती हैं, कठिन भी होती हैं, वो इस रूप में कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बोलना है तो पता चला पहला विचारक बोल चुका होता है, ये भी समस्या रहती है। लेकिन ये ऐसा, इससे हमारे लिए एक अच्छी चीज ये भी है कि हमें यही चीज सीखने को मिलती है और जानकारी बहुत अच्छे से मिल जाती है। मित्रों, मुझे लगता है कि सर ने स्टार्टिंग में जब भूमिका दी, जब आपने अपना आरंभिक मंतव्य डॉक्टर आशुतोष जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया, सर ने बिल्कुल सही कहा, विषय बड़ा जटिल है, और इसके साथ न्याय कर पाना सही मायने में तभी हो सकता है जब हमारा जो हमारी दृष्टि है वो व्यापक हो। ये बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही बात कही, और डॉक्टर जगदीप ने जिस तरीके से भारतीय राजनीति के विभिन्न आयामों पर, और जो आज विभिन्न आयाम हमें दिखाई दे रहे हैं जिस पर हमारी राजनीति आधारित होती चली जा रही है, व्यवहारिक राजनीति, उस पर जिस तरीके से हमारे सामने सर ने अपना पूरा मंतव्य रखा है वो काबिले तारीफ है। लेकिन मेरा इसमें, क्योंकि विषय जो है थोड़ा सा संस्कृत साहित्य इतिहास से जुड़ा हुआ है, और मैं इसमें एक कुछ थोड़ी सी और आपके सामने अपनी बात साझा करना चाहता हूं। सर ने एक बहुत अच्छी बात स्टार्ट की, और ये लिखा हुआ है भारतीय राजनीति का परिभाषिकीकरण, और भारतीय राजनीति की जो मेरी समझ है, जिस तरीके से मैं देखता हूं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय राजनीति को हम तीन संस्कृत के शब्दों में ही, श्लोकों में ही पूरा विस्तार से समझ सकते हैं, अगर हमें समझनी है भी और अगर हम उसे समझना चाहते भी हैं। मैं बात करूं वसुधैव कुटुंबकम की, मैं बात करूं सर्वधर्म संभाव की, या मैं बात करूं वादे वादे जायते तत्व बोध की। अगर ये तीन बातें मैं कहूं तो आप समझिए कि भारतीय राजनीति इतनी विशाल, इतनी व्यापक, इस प्रकार से तमाम आयामों को समाहित किए हुए है कि जिसमें हम लोगों ने सबसे बड़ी समस्या क्रिएट ये कर दी है कि आज हमारे अध्ययन अध्यापन में भी हम उसको एक पेपर के रूप में, यानी राजनीति विज्ञान के जो अध्येता हैं, जो छात्र हैं, और हम जैसे विद्यार्थी हैं जो आज भी सीख रहे हैं, हमारे सामने ये एक बड़ी समस्या है, एक संकट है कि हमारे सामने केवल एक आध पेपर के माध्यम से भारतीय राजनीति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि जब हम अपने छात्रों को जिस भारतीय राजनीति के की समझ उनको देना चाहते हैं, जिस भारतीय राजनीति के संदर्भ में उनको संपूर्ण राजनीति के दर्शन कराना चाहते हैं, तो उस तरीके से हमारी जो करिकुलम है, हमारे पाठ्यक्रमों में भी वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए था। सर ने जो बात कही, मैं उसी में थोड़ा सा एड ऑन करता हूं और अपनी बात थोड़ा जल्दी कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे भी कई चीजें टच करनी है। आपको याद होगा कि हम लोग पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं कि भाई कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में MCQs में जब क्वेश्चंस आते हैं तो लिखा जाता है कि ये जो पुस्तक है, यानी अर्थशास्त्र, किस विषय पर लिखी हुई एक पुस्तक है, और उसमें भी हम ये पढ़ते हैं कि ये शासन, प्रशासन और राजनीति पर लिखी हुई पुस्तक है। देखिए, विषय को अगर हम देखें तो आप समझिए कि अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम, विषय उसके अंदर क्या है, राजनीति है, शासन है, प्रशासन, और यहां तक कि जो प्रबंधन पढ़ने वाले छात्र हैं वो भी कौटिल्य को पढ़ रहे होते हैं, उनको भी पढ़ना होता है कि हाँ जी कौटिल्य से स्टार्ट किया जाता है कि हाँ ये है। और जब मैंने अपना बाल श्रम, मेरा जो टॉपिक था PhD की थीसिस का, तो जब मैं बाल श्रम पे काम कर रहा था तो मुझे जान के ताज्जुब हुआ, कौटिल्य उस पर भी बात करता है। तो इसीलिए अगर भारतीय राजनीति की समझ हमें विकसित करनी है
तो हमें उन चिंतकों को नहीं देखना है जो चिंतक बाहर से आए हुए हमारी राजनीति को समझा रहे हैं। हमें अपने ही चिंतकों की, अपने ही विचारकों की, अपने ही राजनीतिक शास्त्रों की बातों को क्लास में बोलना पड़ेगा। मैं बहुत बार ये मंचों से बोलता हूं कि क्यों ना मैं अपने छात्रों से बात करते हुए बोलूं कि डॉक्टर रमेश कुमार मदान साहब ने उदारवाद पर अपने भाषण में ये उल्लेखित किया है। मैं बार बार क्यों बोलूं कि लॉक ने उदारवाद के जनक के रूप में उदारवाद की ये परिभाषीकरण कर दिया है। ये जो हमारे सामने संकट आता जा रहा है कि हम पाश्चात्य दृष्टिकोण को अपने ऊपर इतना ज्यादा उस पर अपने आप को निर्भरता हमारी बढ़ती जा रही है कि हमने अपने विचारकों की बात करना बंद कर दिया है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि भारतीय अगर संविधान को समझना है तो जगदीप सर को पता होगा, चिमनलाल सर को पता होगा, रमेश मदान साहब ने भी ध्यान दिया होगा, हम क्लासिक्स बोलते हैं। मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया दिल्ली में कि आप बताइए आपने संविधान पे कौन सा क्लासिक पढ़ा है, तो जब मैंने कुछ नाम लिए तो बोले नहीं आपने ग्रीनविल ऑस्टिन नहीं पढ़ा है, आपने आइवर जेनिंग्स नहीं पढ़ा है। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में आपको जो चीज समझनी है आप मेरे से वो पूछिए। किसी एक व्यक्ति की बातों के आधार पर या किसी एक पुस्तक के आधार पर आप ये समझ लें कि नहीं जी मैंने संविधान नहीं पढ़ा, ये अपने आप में गलत धारणा है। लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में, हमारे अध्ययन अध्यापन में इस बात को लगातार हमारे मस्तिष्क में डाला गया है, इसीलिए हम कहते हुए भी डरने लगे हैं, हम अपने विचारकों की बात करते हुए डरने लगे हैं, हम कहीं पर भी ये कहने में डरते हैं कि नहीं जी देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर फलाने प्रोफेसर ने इस पर ये काम किया है, सबाल्टर्न पॉलिटिक्स पे इस विचारक ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, या राजीव भार्गव हुए, अचिन विनायक हुए, या क्या बोलते हैं भीकू पारिक जैसे विचारक वहां बाहर भी बैठे हैं विदेशों में, लेकिन भारत से निकले हुए, भारत की सरजमी से निकले हुए ये विचारक है जो राजनीतिक विज्ञान को नए नए तरीके की परिभाषा और नए नए विचारकों विचारों से अपने अभिभूत कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने विचारकों में, विचारों में, कक्षाओं में इन चीजों को बिल्कुल खोखला साबित करने का प्रयास किया है। और मैं तो राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी सदा से रहा हूँ, समाज विज्ञान पढ़ता हूँ, हम सब जानते हैं इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें गांधी को पढ़ते हुए पढ़ाते हुए मैं बहुत बार कोट करता हूँ। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आप सबको हमें सब पढ़ाया जाता है कि यूटिलिटेरियनिज्म, जितने भी छात्र छात्राएं जुड़े होंगे, हम एक विषय पढ़ते हैं उपयोगितावाद, आप उपयोगितावाद को पढ़िए। मैं तो यही कहता हूँ उपयोगितावाद से बहुत समृद्ध दर्शन गांधी के सर्वोदय में मिलता है, लेकिन हम सर्वोदय की बात करने में अखड़ते, मतलब हमें किस बात का डर है, हम उसके कक्षाओं तक ले जाना नहीं चाहते, या उसके बहुत एक चैप्टर में या अपने कहना चाहिए दो चार पैराग्राफ में एक क्लास में उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उपयोगितावाद अपने आप में, क्योंकि बेंथम, मिल और उसके बाद जिस तरीके से विचारक जुड़ते हैं हम उनकी बात करते हैं। आपको एक चीज और बताता हूं, जितने भी राजनीतिक विज्ञान के विचारक हैं जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं सैद्धांतिक राजनीति की बात करता हूं यहां पर, डैनियल बेल ने 1950 के आसपास एक थियरी दी एंड ऑफ आइडियोलॉजी, और जब वो एंड ऑफ आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट देता है यानी विचारधाराओं का अंत बोलता है, तो वो क्या कहता है कि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया है, और देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के साथ ही जो फासिज्म, नाजिज्म और कम्युनिज्म की जो विचार चल रही थी, विचारधारा थी, ये अब समाप्त हो गई है, तो इसीलिए विचारधाराओं का अंत हो गया। चलिए जी, हम इस चीज को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों से बोलते हैं, एक बात करते हैं। दूसरा, मैं यहीं पर एक उदाहरण आपके सामने देता हूं, फ्रांसिस फुकुयामा ने 1989 में एक किताब लिखा, एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत, और उसके बाद 1992 में उन्होंने उसको थोड़ा सा और विस्तार दिया, उन्होंने लिखा एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। और जब वो ये बात कह रहे होते हैं तो क्या कहते हैं कि देखिए रशिया कोलैप्स कर गया और जो साम्यवादी और मार्क्सवादी विचारधारा थी वो समाप्त हो गई है, तो इसीलिए इतिहास का अंत हो गया। इतिहास में जो एक संघर्ष चलता रहा उसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोल्ड वॉर के रूप में भी देखते हैं, तो ये जितना भी संघर्ष था ये समाप्त हो गया, और अब कमोबेश केवल उदारवाद के विभिन्न स्वरूप ही राजनीतिक व्यवस्थाओं में हमें दिखाई देंगे, प्रशासनिक ढांचों में हमें दिखाई देंगे। लेकिन आप अगर मैं एक अध्ययन अध्यापन करने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते, मेरा ये मत है और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि भाई विचारकों ने यानी पाश्चात्य विचारकों ने कौन सी राजनीति पढ़ी है, किस तरीके से आपने मान लिया कि विचारधाराओं का अंत हो गया, क्या आपके दिमाग में केवल फासिज्म, नाजिज्म यही विचार चल रहे थे, यही विचारधाराएं थी, क्या आप ये मानते थे कि नहीं उदारवाद और क्या बोलते हैं जो ये आपका साम्यवाद है यही विचारधारा है, इसके बाद कुछ बचेगा नहीं और बचा है तो केवल उदारवाद बचेगा, नहीं ऐसा नहीं था। वो हमें ये पूरी दुनिया के सामने ये प्रस्तुति दे रहे थे कि देखिए
अब जो देश हैं, जिन देशों ने अपने नई व्यवस्थाओं में साम्यवाद को अपनाना शुरू कर दिया है, इस साम्यवादी विचार से हट जाइए और अब समाजवादी विचारधाराओं से हटते हुए आप इस पर आइए, आप पूरी पूर्ण रूप से आप उदारवादी विचारों को अपना लीजिए। और जब हम सर ने बात की, जगदीप सर ने बात की एलपीजी की, आप देखिए एलपीजी की बात करते हैं, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हमारा ऋषि बहुत पहले ये बात कर चुका था कि वसुधैव एक मतलब पूरी वसुधा एक कुटुंब के समान है। और जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो आपके जान के ताज्जुब होगा, एक नया पॉलिटिकल एस्पेक्ट आया है पिछले कुछ 10 वर्षों में जिसमें पढ़ते हैं ग्रीन पॉलिटिकल थियरी। ग्रीन पॉलिटिकल थियरी जो है वो और कुछ नहीं, जो पर्यावरण की जो तमाम संकट आज दिखाई दे रहे हैं, इस पर जिस प्रकार से पूरे दुनिया में लोग परेशान हैं, बड़े बड़े संगठन यूएनओ से लेके तमाम आपके संगठन दिखाई देते हैं, हर साल चर्चाएं होती हैं, तो ये चीजें सामने आ रही हैं और इसी को लेके एक नया इमर्ज आता है, एक नई इमर्ज हमारे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, इसको ग्रीन पॉलिटिकल थियरी। मैं यहाँ पर जो लाना चाह रहा हूँ बहुत सूक्ष्म बात है लेकिन बड़ी ध्यान देने वाली बात है, जब हम कहते हैं हमारा ऋषि कहता है वसुधैव कुटुंबकम पूरी वसुधैव कुटुंब के समान है, तो उसमें केवल प्राणी की बात नहीं कर रहा है, उसमें केवल व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, जब वो पूरी वसुधा को कुटुंब के समान देखता है तो उसमें जानवर भी है, पेड़ भी है, पक्षी भी है, उसमें पूरा पर्यावरण सम्मिलित है। और जब वो कहता है तो वो कहता है कि पूरी वसुधा के अंदर जो भी प्राणी मात्र है वो एक दूसरे पर निर्भर है, अगर एक भी स्पीशीज में कहीं कुछ कमी आ जाएगी तो आपका पर्यावरण डोलेगा, आपका पर्यावरण जो है वो इसको लेगा। और उसी का हम एक कह सकते हैं भयानक रूप देखते हैं कि हमारे सामने आता है, जिसमें कहते हैं कि अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग आता जा रहा है, पूरी दुनिया के सामने एक नया संकट खड़ा होता जा रहा है, ये जो आपकी महामारी, आज हम जिस महामारी के बाद हम इस आभासीय मंच से जुड़ रहे हैं, ये भी एक उसी ग्लोबल वार्मिंग और उसी पर्यावरण संकट का ही एक दौर है, जिसमें हम देख रहे हैं किस प्रकार से पूरी दुनिया के सामने एक नया रूप आ गया है। क्या हम नहीं जानते कि इस पेंडेमिक में किस प्रकार से लोग अपने घरों में बैठ गए हैं, सब काम बंद हो गए हैं, और हमने एक नए तरीके की राजनीति भी देखनी शुरू कर दी है, हमने एक नई राजनीति देखी विश्व पटल पर, जब अमेरिका ने चाइना के ऊपर कई प्रकार के आरोप भी लगाए और अपने व्यापारिक संबंध में उन्होंने कमी कर दी, भारत ने कई प्रकार की जो चाइनीज ऐप थे उनको बंद कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आने वाले समय में इस प्रकार का जो एक दुष्विचार है, दुष्परिणाम है, ये भी हमारे सामने एक संकट बनकर आएगा। लेकिन क्या अब यहीं पर हम समझे, क्या राजनीति में हम इस कुटिल राजनीति जिसका जिक्र डॉक्टर आशुतोष जी ने किया था, हम इस कुटिल राजनीति की बात करें? नहीं, राजनीति तो अपने आप में एक शब्द है जिसको हम पॉजिटिव वे में ही ले सकते हैं, इसको नेगेटिव वे में कभी लिया ही नहीं जा सकता। कारण क्या है, क्योंकि राजनीति, गार्नर बहुत इजी भाषा में कहता है कि राजनीति विज्ञान, जिसमें हम कहते हैं कि जिसमें राज्य से ही राजनीति विज्ञान का शुरुआत होती है और राज्य पर ही उसका अंत हो जाता है, तो हम कहते हैं राज्य के अंदर, लेकिन राज्य के अंदर आप टोटैलिटी में देखिए, राज्य केवल अलग नहीं है, राज्य तो अपने आप में अमूर्त है, उसके अंदर जो सारा का सारा, जो उसके अंदर जो जीवंत देने वाला जो प्राण शक्ति है, वो उसके अंदर की सरकार है, वो उसके अंदर के प्राणी हैं, वो उनके अंदर की सोच है, उनके विचार हैं, उनके मत हैं, उनके अंदर कुछ कैसे किस प्रकार से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे वो अपने आप को एक दूसरे से जोड़ेंगे, उन सभी संबंधों के आधार पर हमारे देश में, हमारी दुनिया में हम कहते हैं राजनीति बनती है। राजनीति का मतलब ये कभी नहीं होता कि जो राजनेता है वो जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति है, राजनीति सैद्धांतिक भी है, राजनीति व्यवहारिक भी है। लेकिन हमारे आज के युवा मित्रों के सामने, छात्र छात्राओं के सामने, हम कक्षाओं में बहुत बार देखते हैं, हम सब इस चीज से उदाहरण देखते हैं कि कई बार बच्चा कहता है कि सर नहीं सर हम ये चीज समझ में नहीं आई, इसमें ये समस्या है, तो हम ये कहते हैं मेरे बेटा तुम उसके सिद्धांत को पकड़ो, ये व्यवहारिक राजनीति में मत जाओ, क्योंकि व्यवहारिक राजनीति में जो राजनीति है वो राजनीति नहीं है, वो राजनेताओं के अपने अपने स्वार्थ हैं, अपने अपने मत हैं, वो किस प्रकार से, जैसे सर ने कहा कि कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर, रीजनल पॉलिटिक्स को लेकर, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स को लेकर, मीडिया पॉलिटिक्स को लेकर, ये जो पॉलिटिक्स के आगे टर्म जुड़ गई हैं, ये आप देखिए समय विशेष के साथ जुड़ी हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये कह दें कि जिस समय अरस्तु अपनी राजनीति की एक चर्चा हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा था पॉलिटिक्स में, या हम कह प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में जो प्रस्तुत किया, उस समय भी मीडिया पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक पॉलिटिक्स थी, उस समय भी वायलेंट पॉलिटिक्स थी, उस समय भी किसी प्रकार की एरोगेंट पॉलिटिक्स थी, ये इनका कहीं जिक्र नहीं है।
इसका मतलब क्या है, राजनीति अपने आप में एक ऐसा आधारभूत शब्द है जो व्यक्ति से जुड़कर व्यक्ति के हितों को साधते हुए राज्य के समस्त संसाधनों को किस प्रकार से व्यक्ति के हित में लगाया जा सकता है इसकी बात करता है, इसकी चर्चा करता है। हाँ, सरकार का इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो हुआ करता था, या हम कहें कि जब मोनार्की थी, राजतंत्र था, राजा का रोल जो हुआ करता था वह यह था कि वो उसका ज्यादा से ज्यादा उस रिसोर्सेस को ऐसे प्रयोग करेगा कि आपकी जनता का जो मैक्सिमम पार्ट है, या हम कहें सभी लोग उससे लाभान्वित हो सकें, ये उसका एक मुख्य आधार हुआ करता था। लेकिन समय के साथ आपने सर ने बताया कि मीडिया पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक पॉलिटिक्स और ये तमाम चीजें हमारे सामने आ गई हैं। जगदीप सर ने भी बड़ी अच्छी बात कही है, आपको याद होगा 1977 तक का सर ने जो जिक्र किया उसको हम कहते हैं, रजनी कुठारी ने अपनी किताब में लिखा है, उसने उसको कांग्रेशियल सिस्टम का नाम दिया। उसने कहा कि कांग्रेशियल सिस्टम एक दलीय शासन था तो इसीलिए वही चल रहा था। अचानक से आप देखिए नए प्रकार की राजनीति हमारे देश में दिखाई देनी शुरू होती है। गठबंधन की राजनीति में गठबंधनों ने अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपनी शुद्ध राजनीति को पूरा करने के लिए उन्होंने राजनीति का जितना गलत इस्तेमाल किया सकता था किया, और आज उसी का परिणाम ये है कि हम अपने देश की पॉलिटिकल पार्टीज को कटघरे में खड़ा करते हैं। जो लोग पढ़ने लिखने योग्य हो चुके हैं, जिनकी जागरूकता, जिनका लेवल पढ़ चुका है, वो मानते हैं, उनको बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं होता। आज भी अगर हम इसी पटल पे बैठ के बैठे, अगर हम 40 लोग जुड़े हुए हैं, हम जरा 2 मिनट के लिए सोचना शुरू करें और मैं एक क्वेश्चन ऐसी पूछ लूं कि अच्छा एक नेता का नाम बताइए जो आपके हिसाब से आदर्श है, आप वर्तमान जो आपकी राजनीति चल रही है इसमें एक आदर्श राजनेता का नाम बताइए, तो हम हर आदमी कुछ सोच में पड़ेगा, कुछ के अंदर पॉलिटिकल अपैथी आ जाएगी, कोई नाम ही नहीं लेगा, किसी के लिए वो आदर्श नेता क्या बोलते हैं स्मृति ईरानी भी हो सकती है, किसी के लिए मोदी भी हो सकता है, कोई उसको छवि में किसी और रूप में देख रहा है। लेकिन अब अगर हम ये सोचने का प्रयास करें, जिन्होंने मोदी को पसंद किया उन्होंने राहुल गांधी को नहीं पसंद किया, तो वो अपने मत रख देगा आपके सामने, उनकी बता देगा कि इसमें ये कमियां हैं, इनमें ये अच्छाई हैं, और जिन्होंने किसी और को रखा होगा मोदी की बुराई बताएगा। इसका मतलब क्या है, राजनीति अपने अपने मतों से नहीं चलती है। ये तो हमें देखना पड़ेगा कि हम अध्यापन में, अपनी क्लासरूम में, अपनी कक्षाओं में, अपने छात्रों के सामने, युवाओं के सामने और समाज में जहां बैठे उनके सामने भी हम ये बात प्रस्तुत करें कि राजनीति एक ऐसा माध्यम है जो हर प्रकार से बदलाव लाने का प्रयास करता है समाज में, और वह बदलाव ऐसा होता है जो लगातार आपके समाज के लिए एक समस्या पैदा कर देता है। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन का काम राजनीति करेगा, उस चेंज का काम राजनीति करेगा, और राजनीति एक माध्यम बन जाता है। अदरवाइज हम ये सब मानते हैं कि सैद्धांतिक राजनीति या विचारधाराओं के रूप में राजनीति जितना भी हम अध्यापन करते हैं, और राजनीति में तो साहित्य का बहुत बड़ा जोर है। हमें याद होगा, आपको याद होगा, हम सब पढ़ते हैं, हमारे यहाँ राजनीति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। हमारे यहाँ राजनीति शब्द से पहले हमेशा राज्य शास्त्र का प्रयोग किया था, राजधर्म का प्रयोग किया जाता था। हमारे यहाँ पर राज्य को एक धर्म के रूप में देखा गया, यानी वह धर्म जो राज्य से जुड़ा हुआ है, और राजा का भी उसमें धर्म है और जनता का भी उसमें धर्म है, यानी जनता ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो राजधर्म के विपरीत हो, और राजा भी वो काम नहीं करेगा जो राज्य के विपरीत हो, राज्य धर्म के विपरीत हो। इसलिए हमारे यहाँ जो विशद विवेचना रही है, जो एक सारभूत एक मंतव्य हमारे यहाँ स्थापित हुआ, वो अपने आप में उस पाश्चात्य राजनीति से बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा विस्तार लिए हुए है, और हमें उस राजनीति के मूल स्वरूप को जानने के लिए, उन्हें अपनी कक्षाओं तक पहुंचाने के लिए आज भी बहुत कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। इसीलिए मेरे यहाँ पर यही मानना है कि हम जितनी भी चीजों को, आप सर ने बहुत सही में टॉपिक इतना इस वैसे सही बताऊं सर माफी चाहूंगा, लेकिन ये टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको हम ये कह दें कि ये एक व्याख्यान का टॉपिक है, बेसिकली ये डेलिब्रेशन का पूरा टॉपिक है जिसपे हम कई दिनों तक हम बैठ के चर्चा कर सकते हैं, तो ये उस तरीके के टॉपिक है। हाँ, लेकिन सर ये बहुत अच्छी पहल है आपके माध्यम से, कुछ इस तरीके से चला, और अगर मैं कहता हूं ये आगे बढ़े कि हम भारतीय राजनीति का परिभाषीकरण भी कर पाएं और उसके उभरते आख्यानों को इस रूप में समझ पाएं कि हम अपने आने वाली जनरेशंस को क्या देना चाहते हैं। रमेश के मदान साहब का जो एक्सपीरियंस है, वैसे सर मैं आपसे एक बात कहूंगा, जितना मैं जानता हूं, और हमारे पिताजी, मेरे फादर सर खुद क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस के टीचर है, रिटायर हो चुके हैं, तो जब वो रिटायर हुए तो किसी ने हमसे आके शाम को कहा, और पापा से बोलते हैं कि भाई देखो, जो शिक्षक होता है वो कभी रिटायर नहीं होता, जहां वो खड़ा हो जाएगा उसके साथ के जो लोग हैं वो वहां पर खड़े हो जाएंगे, और वो अपनी बात को कहने से रोकेगा भी नहीं, उसके मन में जो आएगा वो 70 साल का हो जाएगा तो भी बोलेगा,
उसके अंदर की जो शिक्षा की प्रवृत्ति या जो बात करने की प्रवृत्ति वो जिंदगी भर रहेगी। तो इसीलिए मेरा भी यही है कि सर ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं हम ये कहें कि आप कल को नहीं, आप जो लीगेसी छोड़ के जा रहे हैं सर, जो विरासत हमारे पीछे छोड़ के जा, आपने पीछे छोड़ के जाएंगे, उसको हम सब, हम सबका कर्तव्य है उसको हम आगे बढ़ाएं और राजनीति विज्ञान के उन तमाम जो सूक्ष्म बिंदु हैं, बारीकी वाले बिंदु हैं, उस पर हम ध्यान रखें और जिस तरीके से आपने बहुत कुछ हमारे लिए किया, हमारे सामने जो प्रकट किया है, हम उस तरीके से अपनी कक्षाओं में वो सारी चीजों को लेकर आए। यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। संस्कृत का एक शब्द है आह्लाद, आप समझ सकते हैं। आपकी सारी बातचीत सुन के मुझे सचमुच वो आह्लाद का अनुभव हुआ। और जब आपने वसुधैव कुटुंबकम से बात शुरू की और वादे वादे तत्व बोध तक लेकर के गए और सारा वक्तव्य आपने उसके मध्य ही रखा, तो वाकई मेरे लिए ये एक बड़ा एक सुखद अनुभव रहा कि पॉलिटिकल साइंस में अभी भी ऐसे लोग हैं जो भारतीय शब्दावली में सोचते हैं। नहीं तो मैं हमेशा इन सोशल साइंटिस्ट को संस्कृत के माध्यम से चुनौती देने की कोशिश करता हूँ, एक विकल्प के तौर पे हम भारतीय सोशल साइंसेस को डेवलप करें, ना कि जो वेस्ट से, ग्रीक से और वहां से उठा करके आप लाए हैं अब्राहमिक रिलीजन से, उसी को हमारे ऊपर थोपते जा रहे हैं और उससे इंडियन माइंड बिल्कुल कंफ्यूज्ड माइंड है। मैं सच बताऊं, सोशल साइंटिस्ट ने जितना इस देश का नुकसान किया है अपनी भाषा के द्वारा, उतना किसी और ने नहीं किया, उतना राजनीतिज्ञों ने नहीं किया। आप किंग का अर्थ राजा कर देंगे, ये कैसे संभव है? किंग इज एब्सोल्यूट मोनार्क, राजा इज अकाउंटेबल टू हिज पीपल, और आप पढ़ा रहे नहीं नहीं किंग का मतलब राजा, राजा का मतलब किंग, ये कैसी जड़ताएं हैं? लेकिन न संस्कृत वाले चुनौती दे के राजी, न पॉलिटिकल साइंस या सोशल साइंटिस्ट उनको सुन के राजी। तो लेकिन बहुत सुखद लगा आपका ये वक्तव्य सुन करके, और निश्चित रूप से इस ये अभी पार्ट वन है, आप इसको ये मत समझिए कि ये कोई अंतिम बात है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों का सहयोग मुझे मिल गया है निश्चित रूप से, और संभावनाएं आगे बहुत सारी बढ़ गई हैं। वाकई आपका वक्तव्य सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई, आनंद आया और लगा कि अभी भारतीय जो राजनीति है उसको दिशा देने की संभावनाएं शेष हैं इस भारत में। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आमंत्रित करूंगा जो भी हमारे वक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रोता जुड़े हुए हैं, प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, वो लोग अपनी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, जो भी उनके मन में कोई विचार हो, कोई टिप्पणी हो, कोई प्रश्न हो, और उसके लिए आपका, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर एक, सर हाँ, एक मिनट हाँ, मैं थोड़ा सा एक लाइन कहूंगा। हाँ, तो हमारे साथ हमारे बहुत सीनियर एक प्राध्यापक, हमारे मार्गदर्शक जुड़े हुए हैं जी, घनश्याम राय सर जी, ललित यूनिवर्सिटी बिहार से जुड़े हुए बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं और प्रिंसिपल भी रहे हैं, आजकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और हमारे बड़े भाई जय किशन जी पॉलिटिकल लॉ डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और मैडम रूपा असम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे सुखद अनुभव हुआ है कि ये लोग हमारा वक्तव्य सुन रहे हैं और समय समय पर ये लोग हमें मार्गदर्शन भी देते रहते हैं, तो अच्छा लगा ये लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो आपके माध्यम से इन सबसे निवेदन है कि एक टिप्पणी तो जरूर बनती है। धन्यवाद सर जी, हमने अभी जगदीप जी से, अभय जी से तो बहुत पुराने समय से परिचित है, और अभी इन्होंने हमारे एक, हमारा एक ग्रुप है एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल स्टडीज, तो हमें 11 बजे में देखा, तो आज छुट्टी है तो मैं भी देखा कि भाई जगदीप जी जुड़े हुए हैं, अभय जी बिखरे हुए हैं, और ये जो रेलिवेंट टॉपिक है तो मैं भी सुनूं कि आप लोग जो है सो इतने अच्छे, अभी चूंकि मैं वहाँ पीजी डिपार्टमेंट में हूँ मिथिला यूनिवर्सिटी में, तो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहा हूँ, और ये टॉपिक देख करके मेरे, तब से मेरे मन में आ रहा है कि अब हम इस पर कैसे कार्यक्रम आयोजित करें। तो जगदीप जी को, अभय जी को, आशुतोष सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, सर थैंक यू सर। थैंक यू सर, धन्यवाद आपके इस उत्साह वर्धन के लिए, आपका आभार। और किसी का कोई सर? नमस्कार भारद्वाज जी, वेलकम सर। मैं जय किशन भारद्वाज बोल रहा हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और राजनीति विज्ञान विभाग ही है मेरा, वही पढ़ता पढ़ाता हूँ, और पर वो विधि संकाय में है, तो
ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार लोगों को हो जाता है। थैंक यू प्रोफेसर आशुतोष, आपने बहुत संदर्भित और बहुत सही विषय पर यह आयोजन रखा और उसमें बात सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि हमारे आदर्श और बड़े भाई मार्गदर्शक और राजनीति विभाग में मुझे यहाँ आसपास लगता नहीं ऐसा कोई चिंतक। प्रोफेसर मदान एक सक्सेसफुल और इंस्पायरिंग इनिंग जो पारी है उन्होंने खेली वो हम सब के लिए प्रेरणादायक है रहेगी और भगवान करे वो सदा हमारे ऐसे मार्गदर्शक बने रहें। शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। एक मुझे जब मैं आप लोगों को सुन रहा था तो कुछ बातें दिमाग में उमड़ रही थी। जी जी आप प्रोफेसर आशुतोष से मैं एक साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह से भारतीय राजनीति को वो सोचते हैं संस्कृत का विद्वान होते हुए उसकी जड़ों को और ज़्यादा मजबूत करने का काम वो कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तीसरी बार मैं उनके आयोजित सेमिनार में भाग ले रहा हूँ। एक बार संविधान पे वो SD कॉलेज में कर रहे थे और मैं आया था और उनकी जो एडिटेड बुक है वो भी मेरे पास है। बहुत साधुवाद सर। धन्यवाद आपने सर। मैं 5 मिनट ले लूं आपसे? जी जी बहुत हाँ, हाँ। मैं आपसे प्रेरणा एक बिंदु पर और लेता हूं। राजनीति सत्पुरुषों की राजनीति इस तरह से हो जाती है जब संस्कृत के विद्वान और एक आदर्श हमारी और हमारी जो मूल संस्कृति है उस द्वारा राजनीति आयोजित होती है या राजनीति पर व्याख्यान आयोजित होते हैं। आपका बहुत साधुवाद। दो तीन बातें मेरे दिमाग में उमड़ रही थी जब मैं सुन रहा था प्रोफेसर जगदीप और प्रोफेसर अभय बहुत मैच्योरिटी से और बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी से उन्होंने अपने व्याख्यान दिए हैं और हम सब उनके धन्यवादी भी हैं। दो तीन बातें मेरे को कोई प्रश्न नहीं पूछना है पर कुछ बातें प्रयास करना है कि कुछ जोड़ना चाहता हूं मैं उनमें। जी जी भारतीय राजनीति मतलब मैं व्यवहार आजकल की राजनीति पर ज्यादा बोलूंगा। उन्होंने ऐतिहासिक और उस तरह से काफी बोल दिया है उसमें कुछ बोलने की गुंजाइश भी नहीं। मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति अब परिपक्व हुई है या परिपक्वता की ओर बढ़ रही है। बहुत सारे पॉजिटिव सकारात्मक जो ट्रेंड हैं वो भारतीय राजनीति में आ गए हैं या आ रहे हैं। कोलिशन पॉलिटिक्स खत्म हुई जिससे प्रोफेसर अभय कह रहे थे कि स्वार्थ रहित राजनीति और गंदी राजनीति का ज्यादा प्रकटीकरण हमारे सामने हुआ। आज स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, स्ट्रॉन्ग स्टेट है और एक सॉफ्ट स्टेट की बजाय और एक इधर उधर चलने वाले और असमंजस में पड़े हुए नेतृत्व की बजाय एक पूर्ण परिभाषित नेतृत्व भारत के सामने है। मुझे लगता है कि एक राज्य को राष्ट्र जब वो बनता है तो ज्यादा परिपक्व होता है, उसकी मसल ज्यादा फ्लेक्स हो जाती हैं और उसके लिए कई बार स्टर्न एक्शन सर्जिकल स्ट्राइक की बात यहाँ हुई और दूसरी बात यहाँ हुई, कई बार स्टर्न एक्शन जरूरी होते हैं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। देखिए दो तरह के राष्ट्रीय हित हम पढ़ते हैं, एक अंदरूनी राष्ट्रीय हित है, एक बाहरी एक प्राथमिक राष्ट्रीय हित है। प्राथमिक राष्ट्रीय हित में हम अपनी सीमाओं को और अपने अस्तित्व को सुरक्षा जब तक नहीं करेंगे तो तब तक शिक्षा का स्वास्थ्य का और संस्कृति का प्रश्न बहुत लेट होता है। अभी देखिए ना अफगानिस्तान में क्या हो रहा है,
जब तक उनकी डिफेंस मजबूत नहीं, अब जब तक स्टर्न एक्शन नहीं लिए जाएंगे या उसके लिए तत्पर कोई हमारा नेतृत्व नहीं होगा, तो राष्ट्र और राज्य की कल्पना करना मुझे मुश्किल लगता है। आज बहुत परिपक्वता की ओर हमारा नेतृत्व जैसे बढ़ रहा है, कोलिशन की बजाय एक स्टेबिलिटी और एक एक ही पार्टी की सरकार, और एक बिछड़े हुए देश की बजाय एक पूर्ण परिभाषित और वेल कल्चर्ड राजनीति की ओर, एक दो दलों के बीच में बेसिक राजनीति है पर वो परिभाषित है, एक विपक्ष है एक पक्ष है, चाहे वो एनडीए है यूपीए है, कोई फर्क नहीं, हमारा देश है, हमारे लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस में है बीजेपी में कोई भी है। कुछ डेक्लाइन भी मैं आपसे सम्मिलित करना चाहूंगा, आपको आपत्ति भी हो सकती है, जैसे जो रोड जस्टिस है उसका उद्भव हो गया है, हम सड़क पे न्याय करने लग गए हैं, चाहे वो हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट पर अटैक बोलते हैं, चाहे हम किसी पर कुछ भी आरोप लगा के या कुछ भी, अगर उसने गलती भी किया है तो उसकी एक व्यवस्था हमने बना ली है, रोड जस्टिस आ गया है। एक बेसिक न्यो लिबरलिज्म की एक करेक्टरिस्टिक्स भी है, जबकि आज एक वेलफेयर स्टेट है, ना लिबरल है ना सोशलिस्ट है, न्यू लिबरल की करेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती है कि भी जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है वो बढ़ता जा रहा है, राजनीति भारत की उसको समर्थन भी दे रही है, शायद वो जरूरत भी है देश की या इस बदले हुए परिदृश्य में संसार की, और वो भी एक डेक्लाइन में एक ट्रेंड मानता हूँ भारतीय राजनीति में, जो नेगेटिव एस्पेक्ट एक देखते हैं। जी जी। दूसरा एक है कि जो हाँ वो प्राइवेट सेक्टर के इन एडवर्स जो पब्लिक सेक्टर है वो कमजोर हो रहा है, पब्लिक सेक्टर में ज्यादा विश्वास, परंतु उस सब के लिए हम ही तो उत्तरदायी हैं। गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ तो ठीक से नहीं पढ़ाता, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ तो अच्छा पढ़ाता हूँ, प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ तो बहुत अच्छा काम करता हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर बन के जाता हूँ तो ठीक काम नहीं करता, हम सब लोग तो रिस्पॉन्सिबल हैं, राजनीति कहाँ रिस्पॉन्सिबल है, उसको तो व्यवस्था बनानी पड़ती है, हम लोगों के लिए बनानी पड़ती है। कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो अब आगे हैं, जो समय के साथ साथ हमारी बहुत अच्छी देन हमारे सामने आ गई हैं, उनमें मैं समझता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो यूनिवर्सल लॉस की ओर हम बढ़े हैं, यूनिवर्सल टैक्सेशन की ओर बढ़े हैं, चाहे हो हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, जो इलेक्शन कमीशन है बहुत स्ट्रांग हुआ है पहले से, आरटीआई जैसे इंस्टीट्यूट हमारे स्ट्रांग हुए हैं, और जो एक ही तरह का इंसान है, बेशक हमने सकारात्मक खुद में भेद कर लिए हैं, पॉजिटिव लिबर्टी हम प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है हम में, कोई किसी बैकग्राउंड से आता है हम में से, कोई किसी बैकग्राउंड उसके अनुसार उनको सहूलियत भी देते हैं, पॉजिटिव सब्सिडी और दूसरे लेते देते हैं, परंतु जो यूनिवर्सल लॉस की ओर हम बढ़े हैं, आर्टिकल 370 की बात हुई है, मुझे माफ कीजिए मुझे आपत्ति है, एक देश एक संस्कृति एक लोग, दो तरह के कानून क्यों, तीन तरह के कानून कुछ यार, बेशक हम पॉजिटिव देते हैं, नागालैंड के लोगों को हम पॉजिटिव सपोर्ट देते हैं, अलग उनकी आदिवासी क्षेत्र में जाने से मना ही करते हैं, ऐसे ही कश्मीर में भी कर सकते हैं, तीसरी जगह भी कर सकते हैं, चौथी जगह भी कर सकते हैं, परंतु अलग संविधान बनाने का क्या मतलब है, वो तो देश को तोड़ने की बात मैं समझता हूँ। और डॉक्टर साहब आवाज कट रही है आपकी, बस मुझे यही कहना है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद एक अनुयायी का प्रोफेसर मदान के सम्मान समारोह करने के लिए, बहुत बहुत आभार सर, प्रोफेसर मदान को बहुत शुभकामनाएं, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत धन्यवाद। यस सर, ठीक है सर, ओके, आपकी आवाज।
सर मुझे लगता है डॉक्टर आशुतोष सर का आई थिंक उनका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। जी डॉक्टर साहब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर सब सुन जी पा सर, रहे सर, सुन रहा हूं। जी सर, जी हाँ एक्चुअली यहाँ लाइट भी चली गई है, थोड़े से दिक्कत हो रही है तो मोबाइल से इस वक्त काम चलाना पड़ेगा मुझे। सो आपकी बातें सारी सही हैं, लेकिन एक बात को हमें ध्यान रखना होगा कि जो हमने देश के फंडामेंटल्स जो स्थापित किए हैं उनमें बहुत सारी कमियां रह गई हैं। हमने एग्रेरियन कल्चर के ऊपर, एग्रेरियन इकोनॉमी के ऊपर हमने मार्केट इकोनॉमी को स्थापित कर दिया, आपकी सारी पॉलिटिक्स तो वहीं फेल हो गई। जो नहीं चाहिए था वो आपने हम भारतीयों पर थोप दिया गया और आज उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं। और ये जो आज पॉलिटिक्स में, जब हम इसका पार्ट टू या और आगे की चर्चाएं करेंगे, और अभी जब हमने पीछे किसान बिलों पे भी बात की थी, किसान आंदोलन की, तो वो सारी चीजें जो हैं वो उसी का परिणाम है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि भाई कोई पॉलिटिशियन अब कुछ ज्यादा कर पाएगा, कई सारी चीजें हैं बट लेकिन आपके बातें बड़ी रुचिकर हैं और आपने कई डायमेंशन एडअप की हैं। तो यदि किसी और की कोई बात है तो अपनी टिप्पणी जरूर हमारे साथ शेयर करें, अपना सवाल है, कोई टिप्पणी है, कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई सोचने समझने का जैसा भी तरीका है, तो फिर उसके बाद मैं डॉक्टर रमेश कुमार मदान जी को आमंत्रित करूंगा प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स के लिए, और उसके बाद डॉक्टर चिमनलाल धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और फिर हम इसको पूरा करेंगे। जी हेलो जी मैडम आरती सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आजकल पॉलिटिक्स दे विच चल रहा है कि उस दे उत्ते कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना जरूरी नहीं बनता, जिस तरह किसानां दे नाल चल रहा है, जो बेरोजगारी हो रही है देश दे विच, या एजुकेशन दे बेस दे उत्ते, एजुकेशन दे उत्ते जो मतलब कि चल रहा है अजकल ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, ये सब जिदा इस इन चीजा नू रोकना जिहड़ा है वह जरूरी बनता जा रहा है समाज विच, क्योंकि यह चीजा नैगेटिविटी ज्यादा फैला रही है मेरे ख्याल से। ते मैं पूछना चाहती हाँ कि जिहड़ी पॉलिटिक्स है उसके लिए की स्टैप चक सकती है, भी पॉलिटिक्स दे विच की चेंजेस कीतियां जान कि ये जिहड़ियां चीजा हन वह खत्म कर दित्तियां जान। जी 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 बात बिल्कुल वाजिब है और ऑब्जर्वेशन आपकी बिल्कुल सही है, और मैं समझता हूँ प्रेसिडेंशियल कमेंट में इस इशू को टेकअप किया जाना चाहिए कि नेगेटिविटी को किस तरह से रोकें। बाकी जब तक विजन नहीं है, पॉलिटिकल विजन बहुत अच्छा नहीं है, स्ट्रांग नहीं है और बहुत व्यापक नहीं है, तो मुश्किलें तो आएंगी आएंगी। लेकिन इस बीच में एक और प्रश्न हम ले लेते हैं डॉक्टर साहब, आप प्रोफेसर सुनील जी। जी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, मैं सभी विचार तो नहीं सुन पाया पूरी तरह से, बाई चांस ही कार्यक्रम से जुड़ गया और पता चला कि कार्यक्रम जो है राजनीति पर और आदरणीय प्रोफेसर रमेश मदान जी के हमारे आप कह सकते हैं कि उनकी मतलब जो है नए जीवन की शुरुआत जो है उसके लिए व्याख्यान आयोजित किया गया है, और मुझे पता चला इस बात का तो खुशी भी है। और आपको सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके आपका जो मार्गदर्शन है वो निरंतर हमें मिलता रहा है, पिछले 15-20 सालों से आपसे परिचित हूँ, मुलाकातें तो कमी हुई है, 2-4 ही मुलाकातें हुई हैं, लेकिन फोन से निरंतर आपका निर्देशन हमको सभी क्षेत्रों में मिलता रहता है। और मुझे इस वेबिनार के माध्यम से ज्ञात हुआ कि आप हमारे रिटायर हो रहे हैं, हमारे लिए अच्छी बात यह है कि आप हमेशा हमारे लिए उपलब्ध हो पाएंगे आसानी से, हम जब भी आपको याद करेंगे आप उपलब्ध हो जाएंगे। आपके जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं, सभी वक्तव्य अच्छे रहे। हमारे साथ विडम्बना ये है कि हमारे यहाँ से जो चीज़ें हैं जिनके बारे में हम कई बार जो हमारे जैसे चाणक्य ने कही है या और जो विद्वानों ने कही है, वो चीज़ें जब बाहर जाती है और बाहर से वापस लौट कर आती है तो हमारे लिए वो अनुकरणीय हो जाती हैं, किंतु जब उन्हीं बातों को हम यहाँ पर विद्वानों के माध्यम से सुनते हैं तो कई बार हमें उनके उनको हम अनुकरण नहीं कर पाते या कई बार हमारे पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं कर पाते। तो ये सही बात है कि यहाँ पर जो भी इस तरह की राजनीति की चीजें हैं उसके आधार पर हम वर्तमान राजनीति का जो शुद्धिकरण है वो शुद्धिकरण हमको करना चाहिए, और जो नैतिकता की कमी कहीं हमें राजनीति में दिखाई दे रही है उस कमी को हमें जरूर पूरा करना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सारी चीजें आ गई थी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय रमेश मदान जी को देना चाहूंगा, और आपकी आपको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपका आशीर्वाद हमें निरंतर मिलता रहेगा, बहुत बहुत आभार। जी
धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच जी। किसी और की और से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, उसके बाद यदि किसी की कोई आखिरी टिप्पणी है तो वो प्लीज हमारे साथ शेयर कर लीजिए। सर मेरा एक प्रश्न है जी, अगर हाँ हाँ प्लीज अपना परिचय देकर। सर आपने संस्कृत के जो शब्द किंग की परिभाषा बोली जो उसके बारे में आप बता रहे थे, तो किंग और एम्परर ये दोनों हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो गए। जी सर, मेरी दृष्टि में और मेरे पास जो उपलब्ध डिक्शनरीज हैं, साहित्य है, उसके हिसाब से किंग और ये सम्राट राजा ये अलग अलग हैं, इक्विलेंट नहीं है, किसी भी रूप में इक्विलेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे रिलीजन और धर्म इक्विलेंट नहीं है, लेकिन आपको पॉलिटिकल साइंस में सोशल साइंस में पढ़ा दिया गया कि भी ये सब एक ही होते हैं। आप कैसे उनको एक कर रहे हैं, ना उनका कॉन्टेक्स्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही उसके ना ही आप उसका जो है वो कॉन्टेक्स्ट बताते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे से कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये है कि सारी की सारी सोशल साइंसेस जो हैं वो प्राइमोर्डियल हंगर और फियर से ऊपर नहीं उठ पाती हैं। और दूसरा कि उनका जो कॉन्टेक्स्ट पॉइंट है, जो आप आज के दिन में सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं, वो केवल ग्रीक और अब्राहमिक रिलीजन है। एक है सेंस ऑफ अचीवमेंट बेस्ड है एक तरफ, और दूसरी तरफ अब्राहमिक रिलीजन से हमने लिया है सोशल साइंसेस में कि हाउ टू फॉलो कमांडमेंट्स एंड द डिसिप्लिन। इन दो के बीच में सारी की सारी सोशल साइंसेस हैं। इंडियन तो कॉन्टेक्स्ट तो कहीं भी नहीं है। आप कभी भी अपने प्रॉब्लम ये हुई कि हमने अपनी निंदा कर करके जो है अपना जो है वो घर और दुकानदारियां चलाई हैं, जिसके बहुत सारे आप नमूने देख भी सकते हैं। अब थोड़ा बदला है, लेकिन ये है कि जरूर उनको सम्मान दें, उसको जाने, बेस्ट को जाने, उनकी परिभाषा को जाने, उनके संदर्भों को जाने, लेकिन कम से कम अपनी जमीन पे तो खड़े हो। राजा इज अकाउंटेबल, मैं आज भी ये बात दावे से कहता हूं, और आगे हम भविष्य में बात करेंगे जब नॉन ट्रांसलेटेबल टर्म्स के ऊपर बात करेंगे सोशल साइंसेज और संस्कृत के ऊपर, तो निश्चित रूप से इन इश्यूज को लेंगे। निश्चित रूप से धर्म रिलीजन नहीं है, किंग राजा नहीं है, राजा इज एंटायरली डिफरेंट। उसकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि अपनी प्रजा को वो सुखी रखे। अगर वो सुखी नहीं रख सकता, ही इज नॉट राजा, और वो धर्म के अधीन है। बहुत सारी ऐसे इश्यूज हैं, उनको हम बाद में चर्चा लेंगे, लेकिन अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर रमेश कुमार मदान जी को, क्योंकि समय सीमा से ऊपर जा रहा है, अध्यक्षीय टिप्पणी के लिए मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। थैंक यू, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं डॉक्टर आशुतोष जी? जी बिल्कुल हाँ, सर थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कंसर्न डॉक्टर आशुतोष संगीरस जी। भारतीय राजनीति का परिभाषीकरण एवं उसके आयाम पर संस्कृति विभाग, राजनीति शास्त्र विभाग, इतिहास विभाग, अर्थशास्त्र विभाग, SDHDR NT सेंटर द्वारा आज वेबिनार का आयोजन किया गया। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई डीप सेंस ऑफ थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड फॉर द काइंड लिवे द ऑर्गेनाइजर्स हैव प्रोवाइडेड मी अपॉर्चुनिटी टू गिव माई प्रेजेंटेशियल मार्क्स। जैसा कि डॉक्टर जगदीप सिंह जी ने, जिन्होंने खुद ही बताया कि मेरे स्टूडेंट रहे हैं, डॉक्टर अभय विक्रम सिंह जी, सुनील, डॉक्टर सुनील, प्रोफेसर सुनील महावर जी एवं सभी जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, इसके साथ साथ जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इस पार्टिसिपेशन में भाग लिया। इसके साथ साथ हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी, डॉक्टर चिमनलाल जी, नीलम देवी, हरविंदर कौर जी, डॉक्टर मदन राठी एवं सभी हमारे स्टूडेंट्स जो इस समय जुड़े हुए हैं, मैं उनके प्रति भी बहुत आभारी हूँ। जहाँ तक कि प्रेजेंशियल मास्क का सवाल है, एक बार अब्राहम लिंकन जी से एक पत्रकार ने पूछा था कि यदि आपको 10 मिनट बोलना हो, तो उन्होंने कहा कि 10 घंटे तैयारी करनी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि यदि 1 घंटा बोलना हो तो तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, तो इसी प्रकार यदि 2 मिनट बोलना हो तो मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि भारतीय राजनीति की परिभाषीकरण की जब बात की जाती है, तो वी आर वेरी वेल
अवेयर अबाउट दिस फैक्ट्स कि हमारे सीनियर बहुत प्रोफेसर साहबान जुड़े हुए हैं, कि हमारे जब इंडियन पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, जैसा कि आप डॉक्टर जगदीप सिंह जी ने कहा, विभिन्न आयामों के बारे में चर्चा की, इसी प्रकार हमारे डॉक्टर अभय विक्रम सिंह जी ने चर्चा की, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं इंडियन पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं, डिफरेंट टेंडेंसीज एंड ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कास्टिज्म है, कम्युनिज्म है, करप्शन है, क्रिमिनलाइजेशन है, कोलिशन पॉलिटिक्स है, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस है, रीजनलिज्म है, रीजनल पॉलिटिक्स है, रीजनल आइडेंटिटीज हैं, रीजनल सेंटीमेंट्स हैं, सन्स ऑफ स्वायर थ्योरी है। इसके साथ साथ जैसा कि एलपीजी के बारे में बात की, वसुधा कुटुंबकम के बारे में बात की, जेके भारद्वाज जी ने भी लेटेस्ट अपने कमेंट्स दिए, और इसके साथ साथ आरती जी ने बात की कि हमारी राजनीति किधर जा रही है, डॉक्टर आशुतोष जी ने भी अपना अभिव्यक्ति प्रकट की। इन सब बातों के अंतर्गत जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा जीवन अनेक भावों में सिमटा हुआ है। जीवन का सबसे बड़ा भाव होता है कोई सहने और सहानुभूति के दो शब्द बोलकर कलकल नाद करती हुई व्याकुल आत्मा को शांति और शीतलता के झोंके प्रदान कर सके। आज पूरे देश के अंदर जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में राज्य की, सरकार की और मानव व्यवहार की बात की जाती है। आज सबसे बड़ी जरूरत हमारे देश में क्या है कि लोग कहते हैं सोशल साइंटिस्ट रोल प्ले नहीं कर रहे। हम मानते हैं एकेडमिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है और हम भी एकेडमिक्स में रोल प्ले कर रहे हैं। एकेडमिक्स का मतलब केवल एकेडमिक्स टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन एक्टिविटीज, एडिटोरियल एक्टिविटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज और सोसाइटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करना, उनका सोल्यूशन करना। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जब यूएनओ की स्थापना की गई थी, ये सारा का सारा कार्य हमारे सोशल साइंटिस्ट ही क्रिएट कर रहे हैं। जैसा कि आरती जी ने कहा था कि किसानों की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं। आज मेन समस्या हमारे सामने क्या है, सूचना तंत्र और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना और इसके साथ साथ सिक्योरिटी, पीस और वेलबींग, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना आज राज्य और सरकार की बात है। जैसा कि हमारे जेके भारद्वाज जी ने भी कहा था कि हम अधिकारों की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रताओं की बात करते हैं, हम कर्तव्य की बात नहीं करते। और इसके साथ साथ एक विद्वान ने यह भी कहा था कि हमारे देश के अंदर डेरोगेटरी वर्ड्स यूज किए जाते हैं, डेफोमेटरी वर्ड्स यूज किए जाते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जबकि सो मोटो एक्शन मस्ट बी देयर। जैसा कि आरती जी ने कहा कि देयर मस्ट बी ए डायलॉग, मैंने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे पिछले दिनों में 7 महीनों में 700 जगह ये बात उठाई है, हर जगह पर, हर मुद्दे पर, हर प्लेटफॉर्म पर, देयर मस्ट बी ए डायलॉग बिटवीन द फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट एंड कंसाइंस एंड कंसेंसस मस्ट बी देयर टू रिजोल्व द क्राइसिस। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने अपना अपना रोल प्ले किया है। उस सारी बातों के माध्यम से मैं इनको अपना बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि जगदीप सिंह हमारे स्टूडेंट रहे हैं, अभय विक्रम सिंह जी से मेरी बातचीत होती रही है, लगभग मनप्रीत कौर जी भी जुड़े हुए हैं, घनश्याम जी भी जुड़े हुए हैं, सबके साथ कहीं ना कहीं मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं उन सभी विद्वानों के प्रति बहुत ही कृत संकल्प हूं। मुझे हिंदुस्तान के लगभग 1600 प्रोफेसरों के साथ बातचीत करने का मौका मिला, वर्ल्ड के 500 प्रोफेसरों के साथ मौका मिला, परंतु हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की फिलोसफी की बजाय, मुझसे 2000 ईस्वी के अंदर एक बार सेमिनार हुआ था, इंडियन सोसाइटी ऑफ गांधी स्टडीज की कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस जो थी वो धारवाड़ में थी, वहां पर इंडियन सोसाइटी ऑफ गांधी स्टडीज के बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर साहब आए हुए थे, जैसा कि आप सुनील जी ने अभी बताया, जानते होंगे, प्रोफेसर रामजी सिंह थे, जनार्दन पांडे जी थे, शर्मा जी थे, जयप्रकाश जयनारायण जी थे, एमएल शर्मा जी थे, जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गांधी स्टडीज हैं देश और विदेश के वहां जुड़े हुए थे। उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा था कि आप इन इंडियन पॉलिटिक्स को कैसे समझते हैं। मैं उनको 3 शब्दों के द्वारा बताने का प्रयास कर रहा हूं। हमें यदि हिंदुस्तान की राजनीति जो 2014 के बाद आई है, उन्होंने इस पॉलिटिक्स को अप्लाई किया है। हमारे इसी प्रकार से आर के बारिक जी ने लिबरल पॉलिटिक्स के ऊपर लिखा था, इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे विद्वानों डब्ल्यू एच मॉरिस जोन्स ने लिखा था कि यदि आप पॉलिटिक्स को देखना चाहते हैं कि गांधी ने पॉलिटिक्स को कैसे समझा, हमारे ईडियम ऑफ पॉलिटिक्स में ट्रेडिशनल ईडियम ऑफ पॉलिटिक्स, सेंट्रल ईडियम्स ऑफ पॉलिटिक्स और मॉडर्न ईडियम ऑफ पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स चल रही है जिसके कारण आज हमारे देश के सामने सारी समस्याएं हैं और उस समस्याओं का समाधान करना हमारी कोलेक्टिव जिम्मेवारी है। मैं डॉक्टर आशुतोष जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारे प्राचार्य महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एडवांसमेंट ऑफ सोशल साइंसेज को करने के लिए आज इस जो सेमिनार का आयोजन किया है, इसके अंदर हम वेस्टर्न फिलोसफी को ना अप्लाई करके बल्कि इंडियन सोशल सिस्टम को देखते हुए, इंडियन की सोसाइटल कंसर्न को देखते हुए, हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे जिन्होंने स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया के ऊपर सेमिनार का आयोजन किया था 1977 में, उसके बाद 1990 में किया,
इस प्रकार के आयोजनों की जरूरत है, इस प्रकार का जबकि प्रयास डॉक्टर एम पी सिंह के द्वारा, डॉक्टर ए पी एस चौहान जी के द्वारा भी किया गया था, और वो उन्होंने किताब भी लिखी थी पिछले दिनों में, डायनेमिक्स ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। इस प्रकार के हमें प्रयास करने पड़ेंगे ताकि हम समाज को, देश को, राजनीति को, की दिशा को और दशा को बदलने में अपना सार्थक रोल प्ले कर सके। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का, जिन्होंने भी अपना समय, कीमती समय निकाला है, उन सबका, विशेषकर डॉक्टर आशुतोष जी, डॉक्टर जगदीप सिंह जी, डॉक्टर जे के भारद्वाज जी, डॉक्टर अभय विक्रम जी, सुनील महावर जी एवं हमारे प्राचार्य महोदय एवं मेरे डिपार्टमेंट के जितने भी सहयोगी हैं उन और कॉलेज के सहयोगियों ने जो अपना योगदान दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आपके भविष्य की शुभकामना करता हूँ। गुड ऑल, गुड लक, हेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर रमेश कुमार मदान फॉर दिस ब्रीफ प्रेजेंशियल रिमार्क्स, एनालिटिकल ऑफ कोर्स, सो थैंक यू सो मच। और कार्यक्रम को पूर्णता की ओर अग्रसर करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर चिमन लाल जी को, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एसटी कॉलेज अंबालकंड से, कि वो वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। थैंक यू सो मच सर, डॉक्टर अनिरुद्ध जी, थैंक यू। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश कुमार मदान जी के उपलक्ष्य में ये हमने अपना का वेबिनार का आयोजन किया। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और मुझे लगभग 13 साल जो है उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिला। उनकी बहुत अच्छी अप्रोच रही मेरे साथ हमेशा, उन्होंने अपने छोटे भाई की तरह मुझे हमेशा अपना सहयोग, समन्वय जो है और निर्देशन जो है दिया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उज्ज्वल भविष्य की उनके लिए कामना करता हूँ। और इसके साथ साथ जो हमारे आज के जो मुख्य अतिथि रहे हैं, जो वक्ता रहे हैं, डॉक्टर जगदीप जी, डॉक्टर जगदीप जी ने जो बहुत बढ़िया अपने विचार जो है भारतीय राजनीति की उभरती हुई प्रवृत्तियों पर जो अपने विचार व्यक्त किए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भारतीय राजनीति के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों की उन्होंने बात की और उनके क्या समाधान हो सकते हैं वो उन्होंने हम पर छोड़ दिए हैं कि उनके समाधान जो है हमारे वक्ता जो है वो उन पर ढूंढे। इसके साथ ही जो हमारे दूसरे मुख्य वक्ता रहे डॉक्टर अभय विक्रम जी जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से लेकर और उन्होंने भारतीय राजनीति के जो नए आयाम हैं उनके ऊपर अपने विचार व्यक्त किए और अपने कीमती समय में से इन दोनों वक्ताओं ने मेरे लिए समय निकाला, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ में जितने भी हमारे सहभागी रहे हैं, जो प्रतिभागी रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ और विशेषकर मैं अपने सीनियर डॉक्टर जे के भारद्वाज जी को उनको प्रणाम करता हूँ और उनके सानिध्य में मैं बड़ा हुआ हूँ, उनका मैं जूनियर रहा हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मेरे साथ बड़ा अपना प्यार बनाए रखा, आज तक उनसे बात नहीं होती है लेकिन उनका प्यार हमेशा मेरे लिए रहा है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और साथ ही जो है जितने भी हमारे सहभागी रहे उनको बार बार मैं धन्यवाद देता हूँ। और लास्ट में मैं डॉक्टर आशुतोष अंग्रेज जी को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने बड़े ही सारगर्भित विषय को चुना, और अपने प्राचार्य महोदय का धन्यवाद करता हूँ कि जो हमें इस प्रकार की प्रेरणा स्रोत रहे हैं कि इस प्रकार के वेबिनार वगैरह जो है हम आयोजन करते रहे। एक बार पुनः मैं डॉक्टर रमेश मदान जी का, अपने दोनों प्रतिभागियों का, सभी सह प्रतिभागियों का और हमारे जो दोनों मुख्य वक्ता है डॉक्टर जगदीप जी और अभय विक्रम जी का, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर आशुतोष जी, धन्यवाद डॉक्टर चिमन जी। थैंक यू, धन्यवाद। इस परिचर्चा में आप सब लोगों ने भाग लिया, बातचीत हुई और निश्चित रूप से ये जो वेबिनार्स होते हैं कोई सीधे निष्कर्ष पे पहुंचने इस काम के लिए तो नहीं होते, केवल एक विचार को टटोलना, उसकी संभावनाओं को तलाश करने के काम करते हैं। और विशेष रूप से अगर उनका संबंध किसी विद्वान व्यक्ति के जीवन की घटना के साथ ज्यादा जुड़ जाए तो और उसका महत्व बढ़ जाता है। निश्चित रूप से हम लोग ऐसा कोई सोच के नहीं बैठे थे आज के हम सारे को निष्कर्ष निकालेंगे और अंतिम जो है वो कुछ सत्य पकड़ लेंगे, लेकिन एक नई संभावनाओं को एक धरती हमने तैयार की है और उसके लिए डॉक्टर जगदीप जी और डॉक्टर अभय दोनों का बहुत बहुत आभार, और उसके साथ जितने भी हमारे साथ श्रोता और प्रतिभागी जुड़े हैं वो निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने धैर्यपूर्वक इन सब बातों को सुना और समझा और प्रतिक्रिया नहीं बल्कि प्रतिसंवेदन व्यक्त किए। ये रिएक्शन और रिस्पांस के बीच का अंदर है
ये हमें देखने को मिला है, तो इसका मतलब है कि इस तरह के गंभीर विषयों आगे भी टेकअप कर सकते हैं और है इसी विषय का वो हम निकट भविष्य में लेंगे और जल्दी ही आप लोगों को के लिए एक सर हाँ सर एक मिनट एक खुशी और मैं मदान साहब लास्ट सर हैं हमारे रिटायर हो रहे हैं सर के साथ एक खुशी साझा करना चाहूंगा। तो सर पॉलिटिकल साइंस के जो हमारे 6 सेमेस्टर हैं 6 के 6 सेमेस्टर की मेरी बुक अगले 2 महीने में आ जाएगी और वीके पब्लिकेशन उसको पब्लिश कर रहा है, हमारे 6 के 6 सेमेस्टर के बच्चे बीए के उसको पढ़ सकेंगे। ये मेरी सर अब कंप्लीट 16 बुक हो जाएंगी, अब तक 16 बुक मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं, तो ये 6 बुक भी उसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये खुशी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू सर। सर कैन आई टेल समथिंग सर? ये वाकई प्रशंसा की बात है कि आपकी ये उपलब्धियां हैं और इतनी सारी किताबें, तो मुझे लगता है कि हम सारे लोग मिलके नहीं लिख सकते। तो ये बहुत अच्छा किया आपने विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक को लिखा है, तो आपको साधुवाद है और निरंतर इस तरह का काम करते रहें और हमारे साथ अपना ज्ञान साझा करते रहें ताकि नई संभावनाओं को जन्म मिलता रहे। थैंक यू सर। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद और मदान साहब को शुभकामनाएं स्वस्थ जीवन की, परिवार सहित और अपने एकेडेमिक कैरियर के साथ वो देश का और बाकी लोगों का हित करते रहें। तो फिर पुनः मिलेंगे अगले किसी निश्चित रूप से किसी विषय के ऊपर, विषय निश्चित ही है वैसे, अगला जो है वो जस्टिस के ऊपर हम कर रहे हैं और जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो इंडियन कॉन्सेप्ट है और जो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है उस पर बहुत जल्दी ही हम मोस्ट प्रोबेबली शायद नेक्स्ट वीक में, तो आप लोगों को हम सूचित करेंगे और आप लोग जुड़े। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोग चाहें तो मीटिंग छोड़ सकते हैं, इस परिचर्चा को छोड़ सकते हैं। आप सबका नमस्कार। रवि जी आप कृपया संपर्क में रहिए, आप सुन करके बहुत अच्छा लगा। जगदीप जी सर धन्यवाद कि उन्होंने आपसे मुलाकात करवाई। अरे सर मेरा सौभाग्य है सर, मेरा सौभाग्य। धन्यवाद जी। सदानंद जी उधर साउथ से जुड़े हुए हैं। यस सदानंद जी प्लीज। What I am surprised is, yes, after 149 years of the publication of Vande Mataram by Sri Aurobindo, yes, where he has called for unity, even now in our country we don't have unity for common national problems. It is very, very glaring. I will just read out just one sentence. Ji. Let us from Sri Aurobindo. Ji. Vande Mataram. Let us leave these things and look to our daily bread. This nation must perish, but let us at least and our children try to live. While live we can. We are fallen and depraved. This is 1905. And our sins grow upon us day by day. We suffer and are oppressed, and oppression increases with every setting of the sun. Lastly, those who love and perhaps have striven for her, that is Mother India, but having now grown themselves faint and hopeless, bid others to despair and cease. To them he is sending the greetings. And brothers, for whether unwise friends or selfish enemies of my mother, Mother India, you are still her children. This one, and we also have to refer to just after the release from Andaman jails, in Sri Krishna Library in Bengal, West Bengal, Sri Aurobindo's Uttarapara speech. And third thing that I want to refer to is Integral Humanism by none other than Deen Dayal Upadhyaya,
Antyodaya. Yes, yes, yes. These three things I am referring to say that unity is still a question, still something to be achieved for major national interests. Say, for example, suppose we have an enemy outside our borders. Suppose we have corona problem inside us. Suppose we have internal problems of, say, terrorism. There is no unity in the opinions. That is very, very pathetic. Thank you. Yes, this is a sad reality, Dr. Sadananji, which you have mentioned here. उम्मीद तो हम यही करते थे कि शायद कभी पॉलिटिशियंस देश हित को पहले रख करके सोचेंगे और अपना हित बाद में सोचेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है. लेकिन चलिए, हम लोग थोड़े पहले से बेहतर हुए, पहले से ज़्यादा जागरूक हुए, और निश्चित रूप से अगली बार फिर हम इस विषय को लेंगे और एक अगले स्तर पे जाने का प्रयास करेंगे. तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. और आपने ये जो बात हमें स्मरण दिलाई, निश्चित रूप से अगली बार यहीं से हम अपनी बात को शुरू करना चाहेंगे कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद और दीनदयाल उपाध्याय, इन लोगों का जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है और जो पॉलिटिक्स है, उनके संबंधों पर हम अवश्य चर्चा रखेंगे. थैंक यू सदानंद जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. यू कैन लीव द मीटिंग नाउ. Thank you, everyone. Thank you, Manish. Please stay in touch. Please stay in touch. Thank you.